ग्रुप में वो फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा यार, आज की जो मीटिंग है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले तकरीबन हम 3 4 5 दिन हो गए, आई थिंक सो, हमारी क्लास नहीं हुई। उसके पीछे कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हुई। आई थिंक फ्राइडे को हुई थी, उसके बाद फिर क्लास नहीं हुई। फ्राइडे को हुई थी या थर्सडे को हुई थी, मुझे कन्फर्म नहीं याद। उसके बाद क्लास इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि आप लोगों की कुछ गलतियां थी। खैर, फ्राइडे को और सैटरडे संडे तो मैं बिजी था, मैं नहीं क्लास ले सका। लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, जब मंडे को मैं आया था तो मैंने आपकी ना शीट चेक करा था सोर्सिंग वाली, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गलतियां थी। सोर्सिंग में आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि इधर के मैं आप लोगों को आगे ले जाऊं, फायदा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं इसको एक काम करता हूँ कि पहले आप लोगों का सोर्सिंग वाला थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सोर्सिंग का क्या सीन है। ठीक है, सोर्सिंग आप लोगों की बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जिन बच्चों ने मुझे सोर्सिंग की लिस्ट भेजी है, उनको नहीं पता था सोर्स हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट्स को सोर्स कैसे करना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी सोर्सिंग, हंटिंग जो मेजोरिटी, हंटिंग में कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ था ही नहीं। हंटिंग तो बेसिक थी, सिंपल, कि आप लोगों ने क्या करना था कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट ऑलरेडी थी, आप लोगों ने सिंपल उसे हंट करना था। प्रोडक्ट तो आपके पास थी, आपने सिंपल करना क्या था कि जो दूसरे शॉपिफाई के स्टोर बने हुए थे, आप लोगों ने वहां से प्रोडक्ट उठानी थी और आप लोगों ने अपने स्टोर पर लगा लेनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोगों का आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली हफ्ता 1.5 हफ्ता लगना है, आपका सारा कोर्स खत्म हो जाना है। इतना टाइम भी नहीं लगना, ठीक है? हफ्ता 1.5 हफ्ते की गेम है, बाकी आप लोगों का सारा काम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों की सेल्स स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपको मैं एक आज एक चीज दिखाता हूँ। मैं एक और जगह भी एक और भी कोर्स करवा रहा हूँ, तो उस बच्चे का भी मैंने माशाल्लाह कोर्स हुआ नहीं है। उसका अभी तक ना वो नहीं हुआ, कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं हुआ उसका। अभी मेरे पास था वो, उसकी कॉल आई थी तो मैं उसको कुछ सेटिंग करवा रहा था। ये देखो, ये एक स्टोर था एक बच्चे का, ये नेट बाजार, ये उसकी माशाल्लाह आज की सेल्स आई है उससे। अभी आज उसका पहला था सेल्स का, तो ये उसकी माशाल्लाह आज की सेल्स है, अभी तक की सेल्स है। तकरीबन अभी उसकी सुबह 8 बजे उसने कंपेन रन की थी, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 8 बजे उसने कंपेन रन की है, एक ऑर्डर उसको 8 बजे आया, एक ऑर्डर उसको, मेरी कौन है यार, हाँ स्टोर का बताता हूँ स्टोर का, समझ गया मैं बताता हूँ सारा क्या करना है। इजी हो जाओ। तो ये अब देखो, ये उस बच्चे का, अभी इसके अभी इनका कोर्स चल रहा है। ये लोग आपसे, आपको पता है, सिर्फ 2 से 3 क्लासेस आ गए हैं, सिर्फ 2 से 3 क्लासेस आ गए हैं। तो ये आज की सेल्स है। ये देखो, अगर मैं आप लोग इसके ऑर्डर में देख जाऊं, तो इसके ऑर्डर में ये जाके देखो, इसको पहला जो ऑर्डर आया है ना, वो आया है 7:53 पे। आज इसको पहला ऑर्डर आया है, देखो टुडे सुबह 7 बजे। फिर दूसरा इसको ऑर्डर आया है 12:42 पे। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, उर्दू में उर्दू इंग्लिश मिक्स होती है। फिर इसको तीसरा ऑर्डर आया है 5:49 पे। फिर इसको चौथा ऑर्डर आया है 8:47 पे। अब इसकी प्रोडक्ट प्राइस जो है ना, इसको देखो कितने का ऑर्डर आया, इसको 1600 रुपए का एक ऑर्डर आया। अब इस बच्चे ने, अब इसका भी कोर्स चल रहा है और इसका अभी रात के 12 बजने हैं। अभी तकरीबन मुझे लगता है एक ऑर्डर इसको और आ जाना है, अभी क्लास में मे भी इसको और ऑर्डर आ जाएगा था। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले इसकी मुझे कॉल आई थी, सर मुझे एक मसला आ रहा है। बच्चा हार्ड वर्किंग है, मैं उसके बताते इसको ऑर्डर कैसे आ रहे हैं। अब अगर आप लोगों को मैं सिंपल एक चीज दिखाऊं ना, ये देखो, ये आज के ऑर्डर हैं टुडे के, 4 इसको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। ठीक है, एक इसको रिजवान का ऑर्डर रिसीव हुआ है, एक एलम जेब का ऑर्डर रिसीव हुआ है, एक जैद अहमद का ऑर्डर रिसीव हुआ है, एक इमरान अली का। ये 5 4 इसको माशाल्लाह आज जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ये आज के ऑर्डर हैं। ठीक है, और इनको मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, इसने इन 4 ऑर्डर से कितना प्रॉफिट बनाया यार। इस ये शॉपिफाई बड़ी खुल के खेलने वाली गेम है, इसमें आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। ये भी मैं इसी की कैलकुलेशन कर रहा था। तो इस बच्चे ने, इसकी जो ये प्रोडक्ट की प्राइस है ना, ये 350 है, ये 350 की प्राइस है, 1600 रुपये में सेल कर रहा है। इसको 4 ऑर्डर अभी तक आए हैं। ठीक है, 4 ऑर्डर इसको अभी तक आए हैं। तो इसने अभी आज दिन में कुछ भी नहीं किया, सब कुछ निकालने के बाद, हर चीज का बजट निकालने के बाद, इस एक बच्चे ने मेरे, अभी इसका कोर्स चल रहा है, मैं वही बता रहा हूँ। अभी तो इसका कोर्स अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो ये आपसे 3 3 4 क्लासेस। लेकिन क्या लड़का, मुझे पता ना, मेहनती लड़का, अली शाह नाम है इसका, अली शाह नाम है इसका। इसका मसला ये आता है, इसके ना अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो
इसकी एड पे जो पैसे थे ना वो ज्यादा लग गए थे, तो मुझे कॉल कर ही जा रहा था बार बार। फिर आमना ने मेरी बात करवाई तो कहता सर मुझे एक मसला आ रहा है। मैंने कहा क्या मसला आ रहा है? तो ये देखो इसका मैं आपको मसला भी बताता हूँ। अभी मैंने इसी का ये देखो अकाउंट सारा कुछ खोल के बैठा हुआ था। तो कहता मुझे मसला आ रहा है, तो मसला इसका ये आ रहा था कि इसने ना ये कंपेन एक रन की हुई थी, ये देखो ये एक्टिव है अभी कंपेन, इसको 8 सेल्स आई है, ये देखो अभी 9 हो गई है, अभी 8 थी अभी आपके सामने 9 हो गई है, ठीक है। अभी इसको सेल्स आएंगी और, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको व्हाट्सएप तक भी, व्हाट्सएप पे भी 2 से 3 सेल्स आई है इवन। तो मतलब इसके अप्रोक्सीमेटली 6 ऑर्डर्स बन गए थे आज के, 2 सेल्स इसको व्हाट्सएप पे थी, 2 ऑर्डर्स इसको व्हाट्सएप पे आए थे और 4 ऑर्डर्स इसके ये हैं। तो इसको आज का जो मैंने वही बता रहा हूँ कि शॉपिफाई का अभी मैंने आपको नेट प्रॉफिट बताया, इसको टोटल 6 ऑर्डर्स आए थे। जब मैंने ये शीट ओपन की थी यहाँ 6 लिखा हुआ था, तो ये मेरे व्हाट्सएप पे का मुझे मेरे दिमाग में याद नहीं रहा। तो इसने आज कुछ भी नहीं किया, इसने आज जो आज के दिन पहले दिन की बात है, अभी बाकी बच्चे इनके कोर्स में पढ़ रहे हैं फिलहाल, वो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, वो इतने मेहनती नहीं है, बिल्कुल नालायक बच्चा है। इसने मुझे कहा था कि आज इसने कुछ भी नहीं किया, इसके आज माशाल्लाह इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 5,000 रुपए का है माशाल्लाह। तो ये शॉपिफाई के अंदर है पोटेंशियल। तो अभी थोड़ी देर पहले पार्सल करके आया था कि सर मुझे कॉल की कि सर मैं पार्सल कर रहा हूँ अपने ऑर्डर्स, तो मुझे ना एक मसला आ रहा है, मसला इसका इतना बेसिक मसला था, तो कॉल पे कॉल करी जा रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ बड़ा परेशान हूँ। इसका मसला ये था कि इसका जो एड मैनेजर था ना, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ना इसने इसने 1,000 रुपए की कंपेन रन की थी। इसने पहले ना इसको मैंने बताया था कि आपने 2 कंपेन्स रन करनी है ये वाली, तो इसने उसके पैसे नहीं काटे थे फेसबुक ने ना, इन 2 कंपेन्स के पैसे नहीं काटे थे। तो मुझे कॉल, तो जब इसने ये कंपेन रन की ना, तो उसने इन दोनों के डिटेक्ट कर लिए। कहता सर वो मेरे पैसे डिटेक्ट, फेसबुक ने ना मेरा एड अकाउंट बंद कर दिया। मैंने कहा एड अकाउंट बंद कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने तो आपको बड़ा एड अकाउंट अच्छा बनवाया हुआ है। कहता सर देखे मैं, फिर मैं देखूं मैं भी परेशान किया, रेड अकाउंट कैसे बंद हो गया। फिर मेरी अकल थोड़ी सी काम की, तो मैंने यहाँ रिव्यू में जाकर देखा, तो इसने तो पैसे नहीं पे किए हुए थे। मैंने कहा अपने अकाउंट में ये देखो, यू हैव न्यू मैसेज टू रिव्यू, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिलिंग में जाके सेक्शन में दिखाता हूँ, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ना, यहाँ टाइम भी अगर लिखा आ रहा होगा तो शायद मैं आप लोगों को ज्यादा क्लैरिफाई कर दूंगा। तो अभी थोड़ी देर पहले इसको, इसकी हमने पेमेंट की है, ये देखो अभी 1,400 रुपया किस टाइम पेमेंट इसकी हुई है, 11 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इसने अभी ये, इसको हमने पेड किया इसकी बिलिंग अभी थोड़ी देर पहले, इसकी हमने ना जो पेमेंट है ना वो लाइक ट्रांसफर की है, अभी भी इसके 30 रुपये बन गए हैं। तो इसके पेमेंट, इसकी पेमेंट नहीं ना हुई थी, तो इसलिए शॉपिफाई ने इसका एड अकाउंट बंद कर दिया कि यार तुम हमें पैसे दोगे तो हम तुम्हारी कंपनी एड रन करेंगे ना, तो इसी वजह से इसका एड अकाउंट। फिर मैंने सिंपल पे किया है, अभी देखो 11 अप्रैल को पे किया है, पे किया तो उसके ऑर्डर आना शुरू हो गए। तो अभी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह क्लास के दरमियान दरमियान इसको एक आधा ऑर्डर और लग जाएगा, मे बी इसको व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ गया हो कोई ना कोई। तो ये सीन है, ये देखो शॉपिफाई इस लिहाज से बहुत बेटर है कि अब इस बच्चे ने माशाल्लाह स्टार्टिंग है ये, आपसे मैं वही बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कितनी क्लासेस आ गए। अच्छा आप लोग पहले मुझे क्लैरिफाई करो कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यार क्वेश्चन पूछता हूँ क्वेश्चन सबके, आप क्वेश्चन का मैं बताऊंगा क्या सिलसिला करना है। तो ये स्टेटस है, ठीक है। तो जब तक आप मेहनत करो, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आपसे एक, अभी मैंने फिर इसको ये शीट बना के दी थी, अभी इसने मुझे कॉल की, फिर मैंने इसे बताया कि शीट बनानी है, जबकि पहले आपने कस्टमर का नेम लिखना है, अभी इसने खैर एंटर करना शुरू नहीं किया। अभी कहता मैं सर मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो फुटबॉल खेलता है तो फुटसल खेलने जा रहा है, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ना इसको बैठ के, योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा समझ के बिना, समझ में सकूं, पार्टिसिपेंट्स तो सारे ऐड हैं यार। आप लोगों को दोबारा बताओ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, ठीक है, जिन बच्चों को क्लैरिफाई हो जाएगी उनको नजर आ जाएगी। तो ये मैं उसको बता रहा था कि आपका जो, 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो।
खैर मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये शीट में अभी ये आप लोगों को आगे जा कहेगा कि यहाँ इसका अपना कस्टमर का नेम लिखना है, कस्टमर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद कस्टमर का फोन नंबर लिखना है, कस्टमर की आइटम लिखनी है, उसने कौन सी मंगवाई है, क्वांटिटी लिखनी है, कितनी क्वांटिटीज मंगवाई है। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि दो मंगवाते हैं, तीन पीसेस मंगवाते हैं। फिर शिपमेंट लिखनी है, फिर पेमेंट मेथड लिखना है, फिर ऑर्डर नंबर लिखना है, फिर डेट लिखनी है। तो ये क्या होता है कि ये डेटा हम फिर फेसबुक को देते हैं, फेसबुक इन्हीं लोगों को दोबारा रिटारगेट करता है। वो फनल्स होती है, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे मेरा लेक्चर लेते हैं, मैं एक चीज सबको पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है? धमकी देने लगा हूँ आप लोगों को, मैं आप सबको धमकी ये देने लगा हूँ कि यार जब मैं एक दफा आप लोगों को लेक्चर पढ़ा दिया करूँ ना, तो आप लोग वो चीज, जब आप किसी का भी लेक्चर लो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप बेशक अपने पास कोई इंस्टीट्यूट है उनका जाके एक दफा लेक्चर ले आओ, जब आप एक लेक्चर ले लो ना, तो वो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है कि 12 मिनट तक वो चीज आपके माइंड में रहती है, फिर वो ऐसे इस तरह उसकी रिडक्शन होती है, होती फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रहता है कि यार हाँ उधर ये पढ़ा था। तो आप जब मेरा लेक्चर एक दफा ले लेते हो ना, तो थोड़े 1 घंटे बाद जब आपको रिकॉर्डिंग मिल तो जाती है, तो आप उसको दोबारा देख लिया करो। इससे क्या होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि यार जो एक दफा चीज रिवाइज हुई होगी ना, वो आप जब दोबारा देखोगे ना, उसको प्रैक्टिकली साबित करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक अगर आप किसी को, अगर आपने, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, बेशक आपको अमेजोन का टॉप सैलरी क्यों नहीं समझा रहा, आप कभी भी नहीं लर्न कर पाओगे। हमेशा प्रैक्टिकल चीजें किया करो, यहाँ से सीखने के बाद एक दफा प्रैक्टिकल कर लो, कुछ भी नहीं होता। ये फेसबुक इतना आसान है, ये मेटा इतना आसान है, फ्री के पैसे हैं यार, फ्री के पैसे हैं, मजाक के अलावा ये लड़के के फ्री के पैसे बने हैं, आपके सामने बन रहे हैं। वैसे इसके, इस बच्चे ने आपके सामने 5,000 रुपया अभी आज बनाया है, ये ऑर्डर शीट पे इसने 5,000 रुपया बनाया है। देखो 350 की प्रोडक्ट थी, 1600 रुपये में सेल की है, 1,006 ऑर्डर उसको अभी तक रिसीव हो गए हैं, 1,000 रुपये। और इसको मुझे पता ना 12 बजे तक इसको अच्छे खासे ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं। मैं जब स्टार्ट किया था ना, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, आप लोग जब काम करोगे ना सुबह के 4 बजे और सुबह के 7 बजे ऑर्डर आते ही आते हैं, इस चीज की मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। सुबह 4 बजे पता नहीं कौन सी आवाम जाग रही होती है, हालांकि ऑर्डर आते ही आते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या चीज है। एक सुबह के 4 बजे और एक सुबह के 8 बजे, 8-9 बजे। अभी देखो इसने 8 बजे इसकी कंपेन रन हुई है, अब 8 बजे मेरे जैसा बंदा हो तो वो तो बस सोया ही रहता है, ठीक है? अब ये देखो, अगर आपको इसके एनालिटिक्स दिखाऊं, तो ये कह रहा है कि 92 लोगों ने 93 लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है? और जिसके अंदर से 5 लोगों ने आपके आउट परचेजिंग की है। कहता है देखो आपके ऑर्डर 7 बजे आपको एक सेल आई है, ठीक है? देखो 7 बजे, ये 7 बजे, पूरे 7 बजे, 7 बजे मैंने अभी 7 बजे आपको बताया ना, 7 बजे आपको सेल आई है, उसके बाद फिर 11 बार आती रही है, लेकिन चूंकि इसकी कंपेन 6 बजे एक्टिव हुई थी, उसे 7 बजे से ऑर्डर आ गया। ये पता नहीं कोई फैक्ट है या ये क्या है कि आप लोगों को मस्ट ऑर्डर आते ही आते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी अवाम है जो 7 बजे, 4 बजे, 3 से 4 बजे तक और 6 से 7 बजे तक एक से एक या दो ऑर्डर मस्ट आते हैं। अब इस चीज का मुझे नहीं पता। हमारे तो खैर अब रेशो, ऑर्डर रेशो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, वो तो पूरा दिन ही आते रहते हैं, उसमें कंपेन्स के फिर पैसा भी ज्यादा लगता है। खैर, तो ये एक चीज है। आज हम लोग जो चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सोर्सिंग, ठीक है? सोर्सिंग क्या होती है? सोर्सिंग आप लोगों की बहुत ज्यादा वीक है। मैंने आप लोगों की हंटिंग चेक की थी, वो तो आप लोगों ने चीटिंग ही करनी है, सिंपल कॉपी पेस्ट मारना है तो समझ आ जाएगी। लेकिन सोर्सिंग जो है ना, सोर्सिंग एक बिजनेस की बैकबोन है। अगर आपकी सोर्सिंग स्ट्रांग नहीं है ना, तो मैं तो आपको आगे लेके चल सकता हूँ। मेरे लिए तो बड़ा ईजी है कि मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, बहुत ईजी आगे आपको लेके चल सकता हूँ, लेकिन जब तक आपकी सोर्सिंग स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर आपको मसला होगा, ठीक है? और तीसरी चीज ये थी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बंदे का नंबर दूंगा जो आपको सोर्स कर देगा। सम टाइम ऐसा होता है कि वो बंदे के पास भी कोई चीज अवेलेबल नहीं होती, फिर आपको ऑर्डर आ रहे होते हैं, फिर आप परेशान होते हो कि यार अब मैं क्या करूँ। अभी इस बच्चे को ऑर्डर आए तो अभी ये मार्केट नहीं गया। अभी ये क्यों मार्केट नहीं गया, उसके पीछे एक रीजन थी। ये कहता है सर मैं मार्केट इसलिए नहीं गया क्योंकि मार्केट सुबह से लेके खुलती है, सुबह 11 बजे से लेके मतलब अफ्तारी तक खुलती है, और मैं यूनिवर्सिटी से आता हूँ 5 बजे, और आके रोजा वगैरह खुलना होता तो मैं मार्केट नहीं जा सकता। फिर मेरे पास इसकी ये स्टॉक पड़ा हुआ था, फिर मैंने इसको कहा कि चलो मेरे से ले लो, फिर मेरे से ये प्रोडक्ट्स इसने लिए, फिर इसने पार्सल लिए, तो ये मसला है। हालांकि ये मेरे से फिजिकल मिला नहीं है, बस वैसे ही इसने कहा मेरी पार्सल कर दो, तो फिर मैंने जब हमारे ऑर्डर जैसे जाते हैं, फिर मैंने इसे कहा कि इसके भी 4 ऑर्डर पार्सल कर दो, तो ये पार्सल फिर इसके आज ऑर्डर हुए, 6 ऑर्डर इसके पार्सल हुए। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है कि आप लोगों को आज
मैं शॉपिफाई के आप लोगों के स्टोर्स का मैं आप लोगों को बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कि शॉपिफाई के स्टोर्स का क्या करना है, वो कहाँ, वो आपको मैं कल इंशाल्लाह कल तक आप सबको शॉपिफाई स्टोर्स भी मिल जाएंगे। हम टीम डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे स्टोर देने हैं इंशाल्लाह, तो आपके स्टोर्स का काम भी हो जाएगा और सारा बाकी वाला काम भी आज हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आज हम लोगों ने सोर्सिंग करनी है। और ये आप में से एक बच्चा के, एक बच्चे की सारी चीजें मैं बताऊंगा, बाकी सारे उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एक बच्चा ना मुझे आमना के व्हाट्सएप पे, ठीक है, आमना के व्हाट्सएप पे ना मुझे अपना फेसबुक का जीमेल और फेसबुक का पासवर्ड वो सेंड कर दे। आमना के व्हाट्सएप के ऊपर एक बच्चा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही या नेट बड़ा स्लो चल रहा है, आप लोग बताओ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा मुझे जो आमना का व्हाट्सएप है, आमना के व्हाट्सएप के ऊपर ना अपना वो सेंड कर दो, क्या उसका नाम है, अपना गूगल अकाउंट भी सेंड करो, जो आपको गूगल अकाउंट बनवाया था ना मैंने, एक आ गया हबीब, ठीक है मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, अपना गूगल अकाउंट भी सेंड करो मुझे। आपका सारी सेटिंग मैं करूंगा, बाकी सब आप जो वीडियो बनी होगी ना उसको आपको फॉलो कर लेंगे। यार मुझे वो सेंड करना जिन लोगों, जिन्होंने स्टोर बनवाया उनसे, क्योंकि मुझे जो दूसरा जो स्टोर है ना उसकी सेटिंग का, क्योंकि वो फ्री स्टोर होता है तो उसके अंदर ना थीम लिक्विडाइज होता है ना कुछ और, तो इसलिए मुझे उसका पता नहीं है, सीधी सी बात है, वो क्योंकि फ्री स्टोर है उसकी सेटिंग ही कुछ नहीं होती, तो हमने तो उसके अंदर पिक्सल्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, तो जिनका पेड थीम जिन्होंने बनवाया हुआ है ना उनसे हमें, मुझे स्टोर्स मिल गए हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। स्टोर्स का मसला बिल्कुल भी नहीं है, जब स्टोर आएंगे दही से बस स्टोर दूंगा तो आप लोग काम करोगे ना, उस स्टोर्स मेरे पास है ना सेफ पड़े हुए, कोई मसला नहीं है। फिलहाल के लिए आप लोग जिस चीज को मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस, स्टोर्स में आपको सबको डिलीवर कर दूंगा, उसका मसला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक हम लोग स्टोर ओपन करते हैं, एक हम लोग ओपन कर लेते हैं जी, एक मुझे मिल गया डेसिमल्स ऑफिशियल डॉट पी के, ये मुझे याद है कि ये स्टोर आया है हमारे पास, डेसिमल्स ऑफिशियल डॉट पी के एट दी रेट जीमेल डॉट कॉम, DECIMALS ऑफिशियल डॉट पी के जीमेल डॉट, DECIMALS ऑफिशियल डॉट पी के, ये गलत है यार, आपने गलत भेजा मोइस, DECIMALS OFFICIAL ऑफिशियल डॉट पी के एट दी रेट जीमेल डॉट कॉम, गलत है इमोइज, ये गलत भेजा आपने, मोइज अपने जो गूगल अकाउंट है, गूगल अकाउंट है उसका भेजो, ये शायद आपका उसका हो हॉस्टल डॉट पीके का हो पासवर्ड, जो आपका गूगल अकाउंट है ना आप उसका पासवर्ड भेजो, या हम किसी और का देख लेते हैं अगर ये नहीं मिल रहा। ठीक है, DECIMALS ऑफिशियल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, DECIMALS ऑफिशियल एट द रेट जीमेल, मोइज ये भी गलत है, मोइज जो आपके गूगल अकाउंट है, जो आपका गूगल अकाउंट मैंने बनवाया था आपको याद होगा, डेसिमल्स ऑफिशियल डॉट पी के एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ये भी गलत है आपको पता है, देख लेते हैं सर ट्राई, यार ये एक मिल गया, हाँ टेडी ट्रॉली वाला कर लेते हैं, चलो एक मिल गया, हम सिर्फ ओपन करना है, TEDDY टेडी ट्रॉली ऑफिशियल एट द रेट जीमेल डॉट नेक्स्ट कर दो, ओके हो गया, पासवर्ड है जी,
पासवर्ड गलत है। यार आप लोग पासवर्ड तो काइंडली अपने सेव रखा करो। अब ये पासवर्ड आपने सेंड किया, मैं वही लगा रहा हूँ। अब मैं सबको दिखा तो सकता नहीं हूँ। ओपन हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओपन हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की आज थोड़ी क्लास लंबी करनी है। उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, कुछ आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, और अच्छा अब आप लोगों की जो सबसे पहली गलती जो हंटिंग के अंदर मैंने फोकस की है ना, कुछ लोगों की शायद अभी भी गलती हो, वो आप लोगों की है। आप लोग बाहर की जो डॉट कॉम वाली डोमेन है ना, अब जैसे मैं कोई भी ओपन, जैसे फर्ज करो बेलामिश, एक में ये मेरे स्टूडेंट का स्टोर है डॉट कॉम, ये एक बेलामिश डॉट कॉम ना, एक मेरे स्टूडेंट का स्टोर है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अभी देखो आप लोग डॉट कॉम वाले स्टोर के ऊपर गए हो। यार मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टोर मैं आपको बता देता हूँ, डायवर्सिटी डॉट पी के। ये आप किसी भी कंटेंट, डकी भाई से पूछ लो, ये बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ना इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग इनकी इतनी ज्यादा है ना, मैं इसके ओनर को जानता हूँ। उसका अब नाम नहीं, गंजा सा है लेकिन उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। नईम नाम है, नईम नाम है उस बंदे का। तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी, तो वो इसका ऑनर है, नईम नाम है उस भाई का, तो वो इस चीज का ऑनर है। ये देखो ये प्रोडक्ट्स चेंज करते रहते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं। अभी ये प्रोडक्ट उस दिन नहीं थी लेकिन उन्होंने लगा लिए। आप लोग इनको, इन स्टोर्स को फॉलो करो जो यूजली पाकिस्तान के टॉप सेलर्स बैठे हुए। ठीक है, अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको आम नहीं मिल सकती, तो आपको इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इन स्टोर्स को, पहली जो आप लोगों की गलती है ना, वो आप क्या करते हो कि आप लोगों ने, सबने ये किया है, जो गलती सबसे पहली आप लोगों ने हंटिंग के अंदर की है कि आप लोगों ने वो प्रोडक्ट्स उठाए हैं जो लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल ही नहीं सकते। मेजोरिटी बंदों ने जो ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स है ना, जो गिर के टूट जाएंगे जल्दी, वो प्रोडक्ट्स अंदर लगाई हुई है। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रोडक्ट के अंदर ग्लास आ जाए ना, वो प्रोडक्ट आप लोगों ने कभी भी नहीं लगानी। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं लगाई, तो तकरीबन 3-4 लोगों ने वो लगाई हुई थी। यार जिस प्रोडक्ट के अंदर, ये बात याद रखें, ग्लास आ जाए ना, शीशा आ जाए, जिसके अंदर ग्लास आ जाए, ग्लास आपको पता होगा ये प्रोडक्ट गिरे तो ये टूट जाएगी, आप लोगों ने वो प्रोडक्ट नहीं लगानी। ठीक है, मैं मोबाइल भी चार्जिंग लगानी, मोबाइल चार्जिंग लगानी, पता नहीं कहीं मैकबुक का देखो, मैकबुक के साथ चार्जिंग लगाऊं। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर ग्लास आ जाए ना, ग्लास, जैसे ये देखो ये ग्लास की एक मोबाइल है, इसका ये ग्लास है। तो अगर आप, मैं आप कस्टमर और मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, अगर यहाँ आप मुझे सेंड कर रहे हो, तो आपकी इतनी महंगी प्रोडक्ट है तो आप इसको कितना कवर करोगे? अब आप हर प्रोडक्ट को 2 घंटे लगा के रैप तो नहीं करोगे ना, आपने सिंपल उसको शॉपर में डालना है, पैक करना है, चल सो चल, वो जा रही है प्रोडक्ट कस्टमर को। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसके अंदर, अब देखो ना इस स्टोर के ऊपर आ जाओ, इन्होंने ये प्रोडक्ट लगाई है। यार ये एक स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन बैग है, अब ये बैग खुद उसके प्लास्टिक के, वो एक प्लास्टिक पेपर के बने हुए, इसमें क्या खराब होना है? ठीक है, ये गाड़ी की चाबी है, इसका कवर भी होगा, इसको दबाया भी जाए तो कभी टूटने नहीं वाली। ये देखो ये उन्होंने कोई वुड का भेजा हुआ है, वुड का ग्लास भेजा है, वुड का है, ये ग्लास की प्रोडक्ट नहीं है, वुड की प्रोडक्ट है। अच्छा मैं कह रहा हूँ वुड का ग्लास है, ये वुड की प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जिसको वुड है, शायद ये इसको दबाव पड़े भी तो ये नहीं मतलब जा सकती। अभी देखो ये टैब है, ये टैब आपको पता है, ये मैं, आप लोगों ने तो शायद यूज नहीं किया है, मैंने इसको बड़ा सेल किया हुआ है, बहुत ज्यादा इसको मैंने बेचा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आपको पता है, ये इसके ऊपर आप खड़े भी हो जाओगे ना तो ये टूटने नहीं वाली है। ठीक है, अब ये लैपटॉप का मैट कलर है, मैट ये भी नहीं टूटने वाला, ये इसको, इसने क्या खराब होना, लैपटॉप के नीचे जो मैट बिछता है, अब उसके ऊपर आप जंप भी मारो तो उसने टूटना है कोई नहीं। अब ये डिस्पेंसर है, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी बैग आ गया, ऑर्गेनाइजेशन बैग। अब ये सन ग्लासेस है, अब ये चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टोर है, आप इसे हैंडल नहीं कर सकते, क्यों? उन लोगों ने अपना क्राइटेरिया मेंटेन किया होगा, आप लोग इसे ना करिएगा। अब ये देखो बैग, इनकी मेजोरिटी प्रोडक्ट्स बैग में आ जाती है। ठीक है, नीचे आ जाइए, देखो ये मेटल की प्रोडक्ट है, मेटल की प्रोडक्ट है, ये प्लास्टिक की प्रोडक्ट होगी लेकिन ये प्रॉपर पैक्ड होगी, और ये 4500 है। मैंने आपको बताया था कि उसकी रेंज तकरीबन 1500 से लेके 2500 के दरमियान। अब ये देखो ये बच्चों को, बच्चे को जो आज ऑर्डर आए हैं, अब इसको आज ऑर्डर आए हैं,
अभी 7 ऑर्डर्स को मतलब रिसीव, इसको आज 6 ऑर्डर आए, 3 पहले के ऑर्डर आए, ये हम टेस्ट कर रहे थे वैसे, आज जो इसको ऑर्डर आए 4 इसको ऑर्डर आए हैं अभी। ये देखो अभी 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 इसको एक ऑर्डर नया आ गया, ये देखो 11:05 पे अभी आपके सामने इसको ऑर्डर नया रिसीव हुआ। असद उसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखो अभी अभी लाइव क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर इस बच्चे को ऑर्डर रिसीव हुआ 11:05 में, 11:14 हुए और 11:05 पे उस बच्चे को अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसका प्रॉफिट कितना निकल रहा है। सबसे पहले आप सब लोग अल्लाह ताला इस बच्चे को नजरे बद से बुलाए, इसे और कामयाबी अता फरमाए, सबसे पहले सारे माशाल्लाह लिखो, सारे माशाल्लाह टाइप करो यार। हाँ जी अभी ये देखो, ये होती है चीज, ये चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अब इस बच्चे को अभी आप मेरी जब इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ना, आप बेशक देख लेना, आपको मैंने जब क्लास शुरू हुई मैंने आपको दिखाया कि इस बच्चे को 4 ऑर्डर रिसीव हुए, रिकॉर्डिंग तो सबको मिल जाएगी ना। पहला ऑर्डर था रिजवान का, दूसरा आलमजेब का, तीसरा जैद अहमद का और चौथा इमरान अली का। ये 4 ऑर्डर मैंने आपको कहा कि ये रिसीव होंगे, उस टाइम तक मेरी बात थी। और उसके बाद मैंने ये बात भी कही थी कि इंशाल्लाह, हालांकि मैं नाउजुबिल्ला मैं कोई नजूमी तो होंगे, नजूमी भी कौन सा कोई नेकी का काम कर रहे हैं, मैं कोई मतलब नाउजुबिल्ला गैप तो जानता नहीं हूं। मैंने साथ ये बात कही थी कि इंशाल्लाह इस बच्चे को आज रात 12 बजे तक एक आधा ऑर्डर रिसीव हो चुका होगा एक और, ठीक है। अब इस बच्चे को 5 ऑर्डर दिए, ठीक है, 5 ऑर्डर दिए और 2 ऑर्डर इसको व्हाट्सएप पे रिसीव हुए हैं, मे बी अब 3 हो गए हूँ। तो जब मैंने आप लोगों के सामने ये बात कही थी, यहाँ तो मैंने छुप के तो बात कही नहीं है, आपके सामने ही था, ठीक है। अब देखो उसको 5 ऑर्डर ये रिसीव हुए हैं, और ये असल मसला पता है क्या, इस बच्चों को अभी पता भी नहीं है शॉपिफाई है। ट्रस्ट मी आपको, मैं अभी ये बच्चा अगर मैं इसको बुला लूँ ना, अभी तो मैं इसको खैर बुला नहीं सकता, यूनिवर्सिटी का लड़का है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, अली शाह नाम है इसका। तो अभी उसने मजलिस पे जाना था तो मुझे कहता है सर मेरे ऑर्डर्स का मसला है, तो मैं मुझे सामान का मसला है लेकिन मैं मार्केट नहीं जा सकता, तो मुझे काइंडली आप बता सकते हैं। मैंने कहा मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर मैं आज आपके पार्सल कर देता हूँ ऑर्डर, यहाँ से करवा दूंगा, फिर मैं कल इंशाल्लाह आप कल परसों चले जाइए। कह रहा ठीक है सर मैं चला जाऊँगा। तो ये मसला है। अभी देखो मैंने आपके सामने चेक किया तो उसके अभी ऑर्डर, अभी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मे भी ऐसा हो गया जब तक हमारी क्लास चले इसको एक आधा ऑर्डर और रिसीव हो जाए। तो ये देखो अभी आप लोग खुद अंदाजा लगाओ कि इस बच्चे का नेट प्रॉफिट आज का कितना हुआ होगा, जिसको 7 ऑर्डर रिसीव हो गए हैं, आज कुछ भी नहीं किया, वेला घूम रहा होगा, कुछ भी नहीं किया, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1000 रुपए की एड लगाई, उसको 7 ऑर्डर रिसीव हुए, आज बैठे बिठाए बैठे वेला बैठा होगा, मूवीज देख रहा होगा, बैठे बिठाए उसने 6000 रुपया कमाया। अब फर्ज करो हम ज्यादा वो भड़के नहीं मारते, ये नहीं करते हम, ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6000 को मल्टीप्लाई करो 30 दिन से कितना बनता है, 1,80,000 रुपये। तो ये कौन सी पाकिस्तान में ऐसी जॉब है जो 1,80,000 बना बनाया आपको दे, कौन सा बंदा है जो आपको बना। हालांकि इस बच्चे को मैं ले आऊंगा, आप बेशक मुझे कल उठा दीजिएगा, मैं सबके स्पीकर ऑन कर लूंगा, इधर मैं उस बच्चे को बिठा दूंगा और साथ में खुद बैठ जाऊंगा, आप मुझे बता। और नऊजु बिल्ला हराम हो मुझ पर एक लफज भी अगर मैंने आपसे ज्यादा उसको कुछ बताया हो, आपसे सिर्फ क्या है कि मेरी वीडियोस में मैं बताता हूँ ना, यकीन करो मैं इस चीज का प्रूफ देता हूँ, कसम खा कहता हूँ। सर कहते हैं सर जब मैं आप पढ़ा के लेक्चर देते हैं ना और रिकॉर्डिंग देते हैं, मैं वो चीज लिखता हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो रन करके ना मैं साथ साथ आपके पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, हालांकि मुझे उसका कोई फर्क नहीं, मैं कौन सा कोई इलॉन मस्क हूँ जो मैंने ग्रेविटी का न्यू लॉ डिस्कवर कर देना है, ठीक है, और इलॉन मस्क ने ग्रेविटी, सॉरी न्यूटन हो जिसने ग्रेविटी का न्यू लॉ डिस्कवर कर देना है, क्या चीज है वो एफर्ट करते हैं, उसने एफर्ट किया अल्लाह ताला ने, देखो उसके आपके सामने रिजल्ट्स है। और अभी क्लास के अंदर आपको मैं ये चीज लिख के दे रहा हूँ, इसको ज्यादा नहीं इसको इंशाल्लाह एक और ऑर्डर ज्यादा आ जाना, उसका तो अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं यार। मसला ये कि आप लोगों ने पैसे बनाने हैं, अब उसको समझ आ गई कि पैसे बनाने कैसे हैं। वेला बैठा होगा इस टाइम, अभी अभी मुझे कह रहा था सर मैंने फुटबॉल खेलने जाना है, ठीक है, तो आप मेरे ऑर्डर, मैंने कहा ठीक है, मेरा लड़के ने जाना था ऑर्डर प्लेस करने, तो मैंने कहा ठीक है ऐसा जाएगा तो मैं आपको बता दूँ।
ये सीन है, शॉपिफाई जो है ना बड़ी पोटेंशियल मार्केट है अभी भी। फिर आप कहते हो कि सर पाकिस्तान में जी हमें ऑर्डर्स नहीं आते हैं, हमें ये नहीं होता वो नहीं होता। अमेजोन के अंदर इतनी, मैं देखो मैं ये नहीं कहता कि अमेजोन के अंदर इतनी पावर नहीं है, वैसे मैं कहने लगा था, अमेजोन के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप एक अमाउंट के साथ खेल सकते हो। अगर आपके पास अच्छा वेपन है ना, आप अमेजोन में सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपके पास वेपन नहीं है, आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वेपन का मतलब इन्वेस्टमेंट जो है, तो आपके पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब ये बच्चा कारोबार ही सिर्फ एक स्टोर बनवाया है ना, अब उसने कितनी पेमेंट की है ये देखो, सिर्फ इस बच्चे ने, अब आपके सामने इसने पे किया हुआ है, मैंने इसकी बिलिंग सेक्शन भी आपके सामने खोला हुआ है, 1400 रुपया स्पेंड किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस बच्चे ने कितनी पेमेंट से इसको ऑर्डर आना शुरू हुए। 1400 भी स्पेंड नहीं हुआ, ये इसकी एक और कंपेन थी उसकी वजह से स्पेंड हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसकी, मैं आपको ना बल्कि लाइव सेल्स वगैरह अब दिखा रहा हूँ, लेक्चर पढ़ लेंगे यार, मैं आपको प्रॉपर समझा के इजी हो के सब कुछ बता के भेजूंगा, ठीक है। एक में आप लोगों में ना सबर नहीं है, एड अकाउंट सेटिंग आ गया, एड मैनेजर आ गया। अब इसका मैंने एड मैनेजर ओपन किया है यार, ये 3 से 4 सेटिंग्स है, ये सेटिंग याद करो। मैं कहता हूँ आप इतना पैसा कमाओगे ना, इतना पैसा कमाओगे कि आप याद करोगे कि यार कोई बंदा हमें सिखा रहा था, ठीक है। अभी देखो इसकी ये 3 कंपेन्स इसकी चलाई, ये तो मैंने अवेयरनेस की कंपेन चलाई थी ना, जब ब्रांड नया ब्रांड लॉन्च करना है ना उसकी अवेयरनेस देते हैं मार्केट के अंदर। आपने देखा जब कोई नई दुकान खुलती है तो उन्होंने भाई लाइटें लगाई होती हैं, वो एक जोकर खड़ा किया होता है, तो ये समझो ये 3 जो कंपेन्स नहीं, वो लाइटें लाइटें शाइटें लगी और जोकर वगैरह खड़ा किया हुआ था। तो बाकी रही बात की, देखो ये कंपेन की, अब मेरी स्ट्रेटेजी मैंने बताया, हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, हर बंदे के पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होता है, पता नहीं आपको समझ आए ना आए। मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर इस बच्चे की, ये देखो आज की कंपेन, एक्टिव कंपेन आज की, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यार, लाइव दिखा रहा हूँ, कोई टीचर ढूंढो, मेंटोर ढूंढो जो आपको इस तरह लाइव दिखाए। रिकॉर्डेड सेशंस किए होते हैं, यकीन करो रिकॉर्डेड किए होते हैं। मैं 10 दफा इसको मैं दोबारा लाइव कर देता हूँ, ये एक दफा क्रॉस होना प्रॉपर लाइव हो जाए, एक्टिव हो जाए, ये मैं दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ, ये देखो मैंने इसे दोबारा रिफ्रेश कर दिया। अगर कोई जूम के अंदर एक्सेस का टूल होता ना कि आप मेरा ये जो लैपटॉप है इसे एक्सेस कर देते हैं, मैं यकीन करूं मैं आपको एक्सेस देकर दिखा देता। अब लाइव इस बच्चे की मैं आपको दिखा रहा हूं, इस एक प्रोडक्ट को मैंने पूरे कोर्स में बताता रहा, मैंने कहा ये प्रोडक्ट पकड़ लो, इसकी बेतहाशा सेल है। अभी मैंने आपको पता है आपकी पहली हंटिंग की क्लास ढूंढो, मैंने पहली प्रोडक्ट ही आपको ये बताई थी, मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको 1 लाख रुपया बनाना सिखाऊंगा, और ये बात मैंने कमिटमेंट की थी उस टाइम, मैंने ये बात कमिटमेंट की थी, मैं इसे नहीं मुकर के मैंने नहीं कहा था। अब बताओ जो बच्चा एक दिन में 6,000 बना रहा है, तो मतलब 6 10 10 दिनों में 60,000, और कैलकुलेशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 6 10 10 60,000 और आगे चलो 10 दिन और लगा लो, तो क्या वो 20 दिनों के अंदर 1,20,000 नहीं बना सकते। सिंपल इजी गेम है यार, पैसा बनाना बड़ा आसान है, आप कमाने वाले बनो। मेरा एक बैच था, वो बच्चों ने ना सीखा कुछ नहीं, ठीक है, वो कहते थे सर अभी आप बताएं ये क्या करना है वो क्या करना है। अब उनकी गलती पता है क्या होती थी, वो उनको पता था कि रिकॉर्डेड सेशन तो मिल ही जाना है, जो रिकॉर्डेड सेशन है वो तो मिल ही जाना है, तो हम यार एक काम करेंगे जब सारा 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 पढ़ा देंगे ना हम बाद में करेंगे। अब कल उस बच्चे का मुझे मैसेज आया, और मुझे मैसेज में पता क्या कह रहा है, सर ये मुझे समझ नहीं आ रही पेज कैसे क्रिएट करनी। मैंने कहा खुदा के बंदे तूने साथ साथ नहीं किया, तो मसला ये होता है कि जो बच्चे अभी मैं आपको मुंह पे लेके आऊंगा उस बच्चे के बैठ के बेशक देख लीजिए, उसका अभी कोर्स चल रहा है, उसने कोर्स के दरमियान देखो उसके 10 ऑर्डर फेसबुक दिखा रहा है कि आपको वेबसाइट के ऊपर परचेजेस जो हुई है वो 10 हुई है, लेकिन उसको 8 परचेजेस 7 परचेजेस हुई है, ठीक है। वो 3 ऑर्डर में वो उन्होंने व्हाट्सएप पे किया होगा कॉन्टेक्ट, मे भी उन्होंने ना लिए हो, लेकिन 2 कन्फर्म हुए थे उसके ऑर्डर, तो बाकी उसको 10 यहाँ से रिसीव हुआ है। अब फेसबुक ने कहा कि सिर्फ 4,000 लोगों, 23 करोड़ की आबादी है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। एक चीज वो होती है कि मैं आपको सिर्फ बातें बताऊं, कि मैं आपको कहता हूँ यार पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी है तो आप बड़ा अच्छा खेल सकते हो, ये करो वो करो और भाई ये वो फलां, आपको इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ ले आऊं। एक चीज है मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, फेसबुक ने इस बच्चे की सिर्फ ऐड को 4,449 मैंने बताया मेरी उर्दू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 4,449 लोगों को दिखाया है, और 4,449 लोगों के अंदर से 10 सेल्स निकाल ले, 7 निकाल लो यार, सोचो सिर्फ 4,400 लोगों को दिखाने के बाद 10 सेल्स आ गई, और अगर 23 करोड़ पे आप खेलो तो आप कितना कमाओगे, करोड़ों की सेल्स है भाई, करोड़ों की सेल्स है।
ये वो मार्केट है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा निकलेगा। अगर बच्चे ने, ये देखो इसका अभी 801 रुपया स्पेंड हुआ है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, हर चीज आपके सामने है, अमाउंट स्पेंड इसकी 801 रुपया हुआ है, सिर्फ 800 रुपया खर्च हुआ है। अब आप इसी पे कैलकुलेशन कर लो यार, अभी तक जहां 1000 रुपया स्पेंड किए, 800 रुपया स्पेंड करो आप, और उसको 7 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, उसका 6200 रुपया बन गया प्रॉफिट। और ये रात तक तकरीबन अल्लाह झूठ ना बुलाए 7-7.5 हज़ार रुपया तक इजीली इसने निकाल लेने। अगर ये आप छोड़ ज्यादा भी छोड़ो, अभी तक तो इसने 6000 रुपया प्रॉफिट बना रहा है ना, 6000, अभी 6000 प्रॉफिट में है। तो हम ज्यादा गुड़ नहीं डालते, हम ज्यादा मीठा नहीं डालते, हम कहते हैं चलो 1000 रुपए के बजट में इसको अभी प्रॉफिट आ रहा है 6000 रुपया, 6000, ठीक है। तो ठीक है यार, 6000 भी आ रहा है, एक दिन में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रात को जाके ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये जाके उनके पार्सल करो, इतनी सी भाई गेम। सो ये शॉपिफाई है जिसके अंदर अच्छा खासा मार्जिन आप निकाल सकते हो, आप अच्छा खासा खेल सकते हो, मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है, आप अच्छा खासा इसमें खेल सकते हो। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर दूं ताकि आप लोग डीमोटिवेट ना हो जाओ। ये शॉपिफाई, ठीक है। अब कुछ ये वो वाहिद काम है जिसके अंदर आपको करना कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन सीखना पड़ता है। सारी गेम यहाँ आगे खत्म होती है कि बिफोर अर्निंग समथिंग यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस इन लर्निंग समथिंग। जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं ना, ट्रस्ट मी, आप यकीन करो, अगर आप मेरे से क्लास लेते हो, क्लास लेने के बाद आप जाके सो जाते हो या कुछ नहीं करते, आपको हजारों कन्फ्यूजन ऐसी होंगी जो आप लोग, और मैंने तो आपको ये कहा, अभी आप मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बाद में उनको फिर याद आता है यार ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर नहीं करता, मैं कहता हूँ मुझसे व्हाट्सएप पर पूछो। अब मेजोरिटी बच्चों के मैं क्वेश्चन के आंसर व्हाट्सएप पर करता हूँ जिनके नहीं होते, अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं एक साथ एक बंदा रख लूँ या मैं अपने व्हाट्सएप की एक्सेस किसी को दे दूँ कि यार ये जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे ना, बस उनको बातों में ही लगाइए, वो उसे कहते हैं कि उनको डोज करना, बच्चों को डोज करता रहे, हाँ हाँ ये हो जाएगा, इस तरह नहीं है, इस तरह। एक चीज होती है बात को ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बताना, एक चीज होती है कि मैं सिंपल आपको बता के तसलियां दे दूं, हाँ ये होते, तो वो मैं करता नहीं, कम को बताता हूँ लेकिन साफ सुथरा बताता हूँ, ठीक है। सो ये खैर, बाय द वे हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग चलते हैं। हंटिंग का मैंने आपको बताया कि आपने ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट नहीं लेनी, अब हम सोर्सिंग क्या करते हैं। सोर्सिंग के लिए ना आप लोगों को मैंने एक टास्क देना है इंशाल्लाह, वो मैं आज दूंगा। टास्क ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ना सुबह अपने घर के पास जो होलसेल मार्केट है ना, जो आप लोगों के घर के पास होलसेल मार्केट है, जो जिनके घर के पास नहीं है कोई मसला नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ जिनके घर के पास होलसेल मार्केट नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन या ट्रस्ट मी, ये टास्क छोटा सा टास्क है, ये आपको बहुत फायदा देगा। आपको फायदा ना हुआ बेशक आगे क्लासेस ना लेना, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने होलसेल मार्केट में जाना है। अब ये बच्चा है यार, यूनिवर्सिटी का पहले सेमेस्टर का बच्चा है और बिल्कुल टिंडा सा है, मन्ना मुना सा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर के पास जो होलसेल मार्केट है, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ तो यहाँ शारमी मार्केट है, शाह आलम मार्केट है। अब इस बच्चे को मैंने क्लास में, अब आप यकीन करो यार, इधर एक पार्टिसिपेंट है फ्रीहा नाम उनका, फ्रीहा ही है, फ्रीहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। फ्रीहा, जब मेरी आपके साथ पिछले बैच में पहली क्लास हुई थी, मैंने आपको क्रिस्टल हेयर रिमूवर ही पहली प्रोडक्ट बताई थी ना? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिस्टल हेयर रिमूवर ही पहली प्रोडक्ट बताई थी ना। मैं एक मिनट आपको म्यूट कर रहा हूँ। अब ये फ्रीहा जो है ना, ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, ठीक है, मैं भी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इसलिए आई है, इसको मैंने खुद लिंक भेजा था। अब ये देखो इस बच्चे की जो सेल है, मैंने उस टाइम में कहा था, मैंने उस टाइम क्लैरिफाई किया था, मैंने कहा यार कि जो है क्या सीन है कि अगर आप आज भी ये प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो आपको आज भी इसके ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा और अच्छे ये प्रोडक्ट आपको अच्छा खासा बना के देगी, मैंने उस टाइम भी ये बात कही थी। तो मैं आपको इसके दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट ओपन करो। अभी देखो सेलिंग प्राइस 1600 है, ये कस्टमर का नाम वगैरह आ रहा है, असद हुसैन नाम है, ये फोन नंबर है और ये उसका एड्रेस है, रावलपिंडी का ऑर्डर है। अभी देखो इसको किस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आया हुआ है, प्रोडक्ट देखो इस पर, किस प्रोडक्ट, इसको क्रिस्टल हेयर रिमूवर के ऊपर ऑर्डर आया हुआ है। मैंने पहले दिन पहली क्लास हुई थी हंटिंग की, जब आपकी क्लास हुई थी मैंने तब भी आपको ये बताया था
कि यार आप हंटिंग इधर आज भी प्रोडक्ट पकड़ो ना यार, 23 करोड़ की आबादी है, कैसे आप फुलफिल करोगे मुझे ये बताओ। अब मुझे ये बताओ ना कि फेसबुक एक चीज हमसे कमिट कर रहा है। अब मैं तो चलो गलत बयानी आप लोगों के साथ कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कहीं हजारों जगहों पे मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, मैं आपके साथ गलत हो सकता हूँ, जरूर हो सकता हूँ। अब लेकिन फेसबुक तो आपको गलत नहीं ना बता सकता, फेसबुक तो आपको कोई चीज गलत नहीं बताएगा ना। अब ये देखो, अब आप इसको रिफ्रेश करते हैं हम इस पेज को, तो अब इस पेज की फेसबुक बता रहा है कि हमने सिर्फ आपकी कंपेन, सिर्फ आपकी जो हमने कंपेन है ना, इस बच्चे को 1 और ऑर्डर आ गया। ये देखो अभी जब मैंने आपको दिखाया 10 परचेजेस थी, अभी 11 हो गई, उसको व्हाट्सएप पे ऑर्डर चला गया। ब्रदर ये बहुत पैसा है इस चीज में, आप इस चीज को मानो या ना मानो, ना आपके मानने से इस चीज शॉप पे कोई फर्क पड़ता है, ना ना मानने से फर्क पड़ता है। आपके सामने मैं रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना लेक्चर की, वो तो आपको मिल ही जानी है, तो मैं तो आप लोगों को वैसे एक चीज बता रहा हूँ, मे बी इसने शॉपिफाई पे इधर किया हो या उसने ऑर्डर उसको चला गया, उसको व्हाट्सएप पे ऑर्डर चला गया, ठीक है। सो द पॉइंट इज द फैक्ट इज कि अभी उस बच्चे की ऑर्डर देखो 11 ऑर्डर आज के दिन की, उसके सिर्फ उसने कितने परचेजेज लगाई हैं, 801 रुपया लगाने के बाद उसको 11 परचेजेज, क्योंकि उसने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की है। अब फेसबुक हमसे कमिट कर रहा है कि भाई मैंने तुम्हारी ऑडियंस, तुम्हारी जो है उसे क्या कहते हैं, तुम्हारा बजट, सिर्फ तुम्हारा 1,000 रुपये मैंने 4,000 लोगों को दिखाया, लेकिन राइट प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन। मैंने अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पानी, नेस्ले का पानी बेच रहा हूँ, पानी बेचना है मैंने, ये मैं उस बंदे को बेच रहा हूँ कि जो पहले जूस पीना चाह रहा है, फिर तो सेल्स आने को नहीं, फिर उसने कहना मुझे एक टैंक भी साथ भेजो, तो ये सीन होता है। तो द पॉइंट इज कि आपको, आप मेरी छोटी छोटी बातों को फॉलो करो ना, मसला ही 4-5 चीजें हैं यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ 4 से 5 चीजें, ऐसे ऑर्डर आते हैं ऐसे हंस के आपके सामने आ रहे ऑर्डर, मैं तो इधर आपके सामने लाइव बैठा हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, ठीक है। सो दिस इज द फैक्ट, तो ये शॉपिफाई है जो बड़ा आसान है। अब आप 23 करोड़ की आबादी में से यार, हम कहते हैं कि यार 10 करोड़ जाहिल अवाम है, मोबाइल ही नहीं है उनके पास, उनको पता ही नहीं ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, यार 13 करोड़ की आबादी में से 4,000 रुपया निकाल, 4,000 बंदा निकाल दो, बाकी 13 करोड़ को कौन फुलफिलमेंट करेगा। अब ये जो 4,000 बंदों में से 11 बंदों ने चीजें खरीद ली है ना, अब ये इसके परमानेंट कस्टमर बन गए हैं, कैसे वो बताता हूँ मैं आपको। आपको मैंने स्टोर्स, आप लोगों ने स्टोर्स बनने के लिए दिए हैं, स्टोर्स के अंदर ना एक थीम इंस्टॉल है, उस थीम के अंदर एक स्नैप पिक्सल इंस्टॉल है, उस पिक्सल ने क्या करना है, वो वैसे अगर आप शॉपिफाई का ओरिजिनल थीम भी खरीदोगे ना उसके अंदर नहीं होता, ये उन्होंने ना थीम के अंदर स्नैप पिक्सल इंस्टॉल किया था, उस पिक्सल ने क्या करना है, उस पिक्सल ने आपका इन ऑडियंस को ना बार बार आप दोबारा एड दिखाई जानी। अब मैं एक दफा ये दसानी नेस्ले से एक बोतल खरीदता हूँ, ये अभी नेस्ले की नहीं है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, नेस्ले से एक बोतल खरीदता हूँ, जब नेस्ले मुझे बार बार ऐड दिखाएगा ना, फिर नेस्ले मुझे जूता भी बेचेगा ना, तो मैं वो भी खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने नेस्ले से चीजें खरीदी हुई। अब ये इस बच्चे के अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें इंस्टॉल हो गई हैं, ठीक है। पिक्सल ने इसका डाटा फेच कर लिया, तो जब पिक्सल ने इसका डाटा फेच कर लिया तो पिक्सल उसे री ऑडियंस रीटारगेटिंग करेगा। अब इसमें बजट भी जाया हो ना, उनको तो मुफ्त की ऐड दिखनी है, वो कस्टमर पक्का हो जाएगा। बात अब एंड पे क्वेश्चन आते हैं जी, और जो कंफर्म हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बड़ा मजे का आज टॉपिक है, सेल्स नजर आ रही है इसलिए मजे आप लोगों को मजा आएगा। अब एक टॉपिक आता है कि हमारे पास ऑडियंस रीटारगेटिंग कैसे करते हैं, वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑडियंस को रीटारगेट कैसे किया जाता है, पिक्सल कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये असद हुसैन का तो आया है, मे बी क्लास के अंदर एक ऑर्डर मे बी मैं गया हूँ, ठीक है। असद हुसैन आप लोगों ने याद रखना है, असद हुसैन, इसके ऊपर जो ऑर्डर आएगा ना वो मतलब नया ऑर्डर आएगा, ठीक है। खैर अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो क्या जो मैं चीज पढ़ाता हूँ ना, तो काइंडली ज्यादा नहीं यार, मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं कहता। अब देखो 1 घंटा 1.5 घंटा लगा भी तो लगा के मैं इतना बच्चों की तरह तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, कोई बंदा भी यकीन करे आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देता। अब मुझे जरूरत तो नहीं है ना कि मैं एमी पागलों की तरह फ्री में पढ़ाना शुरू कर लूँ। अब मैं आप लोगों को ये जो जूम पढ़ा रहा हूँ जूम पे, आपको पता है मैंने ये 35 और 25,000 का मैंने ये जूम सिर्फ आप लोगों के लिए परचेज किया हुआ, मैं बताना नहीं चाह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अच्छा कमा रहा हूँ, कोई मसला नहीं यार, एक मकसद है,
कि अपना इंस्टीट्यूट खोलना है इंशाल्लाह। तो पहला जो चीज है आप लोगों को मैंने बतानी है, दैट इज के आप लोगों की हंटिंग का मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट ना ढूंढो काइंडली। ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कौन सी प्रोडक्ट ढूंढनी है, वो प्लास्टिक की प्रोडक्ट होती है। जैसे आप लोगों को लगेगा, एक मैं आपको बताता हूँ, क्रिस्टल लैंप है। अब मैंने कहा था क्रिस्टल हेयर रिमूवर, वो बच्चे ने मेरी प्रोडक्ट थी, अब उसको मैं चोरी तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप 71 बंदे मुझे देख रहे हो, 71 लोग मुझे देख रहे हो, आप 71 के 71 ये प्रोडक्ट लगाओ, आपको ऑर्डर आना शुरू ना हो आए तो मेरा नाम भी हम जाने, अब मेरा नाम बदल रहे। अब आप 71 के 71 लोग लगाओ, आपको ऑर्डर आएंगे यार, अच्छे खासे आएंगे। अब मैंने सिर्फ शुरू में बताया, हालांकि मैंने किसी को इशारा नहीं दिया, मैंने इनके बैच में जिस बैच को पढ़ा था मैंने किसी बच्चे को भी नहीं कहा कि यार आप ये प्रोडक्ट यूज करो। मैंने सिर्फ ये कहा था, जिस तरह मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप आज भी ये प्रोडक्ट लगाओगे ना, आपको ऑर्डर आएंगे, और मैं 100% आपको ऑर्डर आए, मैं आपके पैसे वापस करने को तैयार हूँ। आपका जो 1000 रुपए जाया होगा मैं आपको वापस करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके ऑर्डर, इसका मार्केट देखो ना, एक होता है ऑडियंस को एक चीज चाहिए लेकिन वो चीज कम पड़ी हुई है, मिलती कम है। आप ऑडियंस को पता है भाई वो चीज चाहिए यार। तो खैर ये बात की बात है, अब खैर हम सोर्सिंग की तरफ चलते हैं, हंटिंग। अब देखो ये एक प्रोडक्ट है, ये एक क्रिस्टल लैंप, इसकी भी बड़ी अच्छी सेल है, इसको लगाओ, इसको आज भी इसके ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? मुझे पता है भाई ये बिक रही है, हम बेच रहे हैं, अच्छे खासे इसके ऑर्डर आते हैं। अब ये जो बेसिकली प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट ग्लास की नहीं है, प्लास्टिक की प्रोडक्ट है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट जो होती है ना ग्लास की बनी होती है, जैसे ये घड़ी का शीशा जो ग्लास का है, अब आप इसको ऐसे ही मतलब शॉपर में पैक किया और पैक करके इसको सेंड नहीं कर सकते। क्यों? मे बी इसके ऊपर जोर पड़े और मे बी इसका ग्लास डैमेज हो जाए, तो वो आपका एक ब्रांड ओपन करने जा रहे हो। मैं आपको ये तो सिखा ही रहा कि आप लोगों ने चीजें बेचनी कैसे, पैसा कैसे बनाना, फिर आप ओलेक्स पे चले जाओ यार, ओलेक्स यूज कर लो, 1000 प्लेटफॉर्म्स और बनने में, आप वो कर लो, क्या सब नाम कहते हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कर लो, किसी पीआर पैकेज भेजो इन्फ्लुएंसर को, इरफान जुनेजो को भेज दो, डकी भाई को भेजो, वो कह देगा कि मैंने इससे मंगवाया, लाख रुपए से ले दो, आप तो 3-4 लाख उधर से भी कमा लोगे। ये डाइवर्सिटी जो है स्टोर है, इसकी एड्स तो 10-12 एड्स चलती है यार, लेकिन इनकी इसकी इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग इतनी ज्यादा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आप डाइवर्सिटी ओपन करो, यहाँ आप सिंपल डाइवर्सिटी ओपन करो, इसकी इमेजेस में चले जाओ, diversity.pk। अभी देखो, अब ये पोस्टर करेक्टर है, ये इन्होंने इतना बेचा है, मैं क्या बताऊं। ये पोस्टर करेक्टर होता है ये ना, जब ये आपको शायद पता हो, ये शालम में प्रोडक्ट मिलती थी, ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था, ये मोहम्मद प्लाजा था शालमी लाहौर में, मोहम्मद प्लाजा उसके ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर पे दुकान थी कॉर्नर पे, वहां से ये मैंने सोर्स किया था, ठीक है, तो ये वहां से मिला था। ये देखो, ये डाइवर्सिटी बेच रहा है इसको। अब मैं आपको बताता हूँ डाइवर्सिटी में भी इधर आए और में भी ना आए, लेकिन मुझे पता है ये इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। खैर इधर अभी फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन इनकी इन्फ्लुएंसिंग मार्केट बहुत ज्यादा इनकी इन्फ्लुएंसिंग मार्केट, ठीक है। सो ये एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग तो पैसा लगा रहे हो ना, तो ये ऐसी चीज आप लोगों ने ढूंढनी है जो चीज प्लास्टिक की हो लेकिन उसमें ग्लास ना हो। प्लास्टिक का मतलब समझ रहे हो ना कि प्लास्टिक की प्रोडक्ट कैसी होती है, कि यार ये अब ये प्रोडक्ट है प्लास्टिक, अब इसमें दबा आ भी जाएगी, दबा भी दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की कॉमन सेंस की चीजें छोटी छोटी। अब ये घड़ी को मैं अगर सिंपल ऐसे भेज दूं, पार्सल में पैक करूं, एक घड़ी जा रही है, मे बी यार वो उसके ऊपर जोर पड़े जो ट्रक या वैन में जिसमें भी जाती है तो वो टूट जाए। तो अब देखो ना, इसके ऊपर आपका फोर्स नहीं पड़ रही, इसने इसके वो फोर्स पड़ भी, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी भी नहीं टूटता। सो दीज आर सम थिंग्स जिन चीजों को आपने रिमेम्बर करना होता है। तो ये आपका हो गई है। अब सोर्सिंग की तरफ मैं आता हूँ, आप लोगों को मैंने सोर्सिंग का बताना है। अच्छा, सोर्सिंग के लिए ना आप लोगों ने खुदा का वास्ते फेसबुक ग्रुप, अभी मैं ये बातें थ्योरेटिकल बता रहा हूँ क्योंकि इसका पिछला लेक्चर पढ़ा हुआ, इसको भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप फेसबुक ग्रुप्स में जाओ, लोगों से चीजों का पूछो, क्रिस्टल से शुरू कर लो यार, सारे क्रिस्टल से शुरू करो कि भाई क्रिस्टल किस किसके पास पड़ा हुआ है, फिर जिस बंदे के पास क्रिस्टल पड़ा हुआ है एक्चुअल में, आप उसको कहो कि भाई आप रहते किधर हो। देखो मैंने अभी भी बता रहा हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने 75,000 के कपड़े खरीद लिए थे,
अब वो कपड़े खरीद के बैठी हुई है और मुझे बोल रही है सर मेरे कपड़े मैंने खरीद लिए हैं कि तुम मैं इनकी एड लगा लूं। अब ना उसके पास एड बनी हुई है, अब वो मेरा लेक्चर नहीं लेती थी सही तरह, लाइक उसने आधा लिया, मोटिवेट इतनी हो जाती थी आधा वैसे ही छोड़ के चली जाती, तो वो आधा लेती है। अब वो कपड़े उसने 75,000 के कपड़े उठाए, अब अल्लाह की बंदी खुदा का खौफ करो, अब 75 हम अगर 75,000 के कपड़े उठाने थे तो फिर तुम होलसेल में काम कर लेती यार, तुम्हें क्या जरूरत था कि तुम मतलब पैसे जाया कर रही हो इधर। फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा जिस होलसेलर से कपड़े लिए ना उसको वापस करो। अब ये कानून होता है कि अगर आप किसी से कपड़े चीज परचेज कर लेते हो अमाउंट दे देते हो तो फिर वो उस दुकानदार पे डिपेंड होता है कि वो आपकी चीज ले ना ले। अब उसने उठाए थे राजा मार्केट से कपड़े, अब राजा मार्केट के अंदर फिर मेरा एक दोस्त रहता था वो काम करता है सिले स्लाइड और पीके, उसका भी ऑनलाइन ब्रांड है ठीक है। फिर मैंने उससे बताया, मैंने कहा यार इसने फलां होलसेल से कपड़े लिए तो कर करा के इसके बेच दो, इसके पास इतने इसकी मामा ने ना इसको पैसे दिए हुए थे 1,00,000 रुपया कि ये कुछ करे, उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया। तो ये आप लोगों ने ये पहले पैसे नहीं लगाने। अब देखो ना इस बच्चे को ऑर्डर्स आए हैं, अब ये इसको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, ऑर्डर रिसीव होने के बाद इस बच्चे ने वो लिए है ना, इस बच्चे को ऑर्डर रिसीव होने के बाद ही अब इसने चीज खरीद के सेंड की है ना इसमें। अच्छा कुछ मैंने आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये कहना था, कुछ लोग कह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग हराम है, अच्छा ये मेरी बात याद रखे, हम ड्रॉप शिपिंग करें ड्रॉप शिपिंग हराम किस सिलसिले में होती है। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ऑर्डर आता है, मैं उस चीज को कहीं से कहीं पहुंचा देता हूं, मतलब कि मैं थर्ड पार्टी काम कर रहा हूं। अब आपके पास आप कस्टमर हो, मैं सेलर हूं ठीक है, मेरे पास चीजें नहीं पड़ी हुई तो मुझे ऑर्डर आता है, मैं कंपनी को कहता हूँ कि यार ये ऑर्डर है, तो ये कंपनी आपको सेंड कर देती है, फिर मुझे उसका कमीशन मिलता है। ये चीज हराम है क्योंकि जो चीज इस्लाम के अंदर आपके हैंड में नहीं है ना, मतलब जिसकी पेमेंट नहीं आपने की हुई, वो चीज आपके लिए हराम है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अब ये बोतल है, अब आप इस मॉडल हम इस मॉडल में ये जिस जो बंदा भी आपसे पूछे ना ड्रॉप शिपिंग, ये बड़े जैसे ये बड़े लोगों की गलत माइंड होता है, उनके दिमाग में पता नहीं किन मौलवियों ने बिठाया हुआ है क्या चीजें बताई। पहले तो आप चीज देखो, आपको एक ऑर्डर आता है, अभी फर्ज करो आप मैं एक चीज भेजा हूँ, आप सहाबा किराम क्या करते होते थे, वो मक्का से मदीना से खजूरें लेके जाते थे और मक्का जाके बेचते होते थे। सहाबा पहले जो खजूरें होती थी वो पहले खरीदते थे खुद, ऐसा नहीं होता था वो कह रहे थे कि मैं किसी बंदे से खजूरें, किसी दूसरे सहाबा जो अमीर थे उनके बाग से खजूरें ले जाऊंगा, मैं बेचूंगा, फिर जो मुझे मुनाफा होगा फिर मैं वो मुनाफा निकाल लूंगा, बाकी उसके पैसे उसको वापस कर दूंगा, ऐसा नहीं होता था। पहले सहाबा खजूरें खरीदते थे, खरीदने के बाद वो दूसरे शहर में जाकर तजारत करते थे, तजारत करते थे फिर मतलब उनको अच्छे रेट में। तो आप भी तो यही काम कर रहे हैं, आप पहले देखें, आप पहले लोगों को एडवर्टाइज करेंगे, मतलब एक तजारत कर रहे हैं ना आप, एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तजारत बिजनेस को कहते हैं ना। तो आप पहले सिर्फ एडवर्टाइज करेंगे यार मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है ठीक है, लेकिन जब वो बंदा कहेगा हाँ मुझे चाहिए तो पहले आप वो चीज खरीदोगे, ऐसा नहीं है कि पहले आप वो नहीं खरीदोगे, पहले आप वो चीज खरीदोगे, आपका पूरा इख्तियार होगा, आप उसे तोड़ दो फोड़ दो जो भी है वो आपका इख्तियार है, उसके बाद आप कस्टमर को पहुंचाओगे। अब ये तरीका हलाल है, ये तरीका तरीका हराम वाला कौन सा तरीका है कि आपको ऑर्डर आ गया आपने इधर से इधर कर दिया। पहले आपने उस चीज को खरीदना है, स्टॉक होल्ड करना है कि वो आपके अंडर आ गई है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, जब वो चीज आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी फिर आप उसे आगे फॉरवर्ड करोगे। तो ये तो सीधा सीधा हलाल हुआ। अब आपको मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग वाली क्लास में दी थी कि आपके घर के पास लेज पड़ी हुई है, अगर मैं कहता हूँ कि यार वो लेज 30 की तो दुकान से मिल रही है मुझे पता है, और आप मुझे 50 रुपए की सेल कर रहे हो, वो चीज हराम है। अगर वो चीज आपके हाथ में है, बेशक वो 30 की है, लेकिन आप मुझे कहते हो मैंने ये चीज देनी है तो मैंने 50 की देनी है वरना मैंने कम नहीं देनी, फिर मैं आपसे 50 रुपीज की वो चीज लेता हूँ, फिर वो चीज हलाल है क्योंकि वो आपने उसका रेट लगाया, आप उसकी तिजारत कर रहे हो, आप बेशक उसके अंदर जितना मर्जी आप वो चीज मुझे 10 करोड़ की बेचो, वो मैं बायर हूं ना, अगर मुझे नहीं लेनी होगी तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा कि भाई नहीं लेनी। तो मार्केटिंग इसके अंदर भी तो यही होता है कि आपसे कोई चीज बंदा चीज खरीदता है, वो चीज खरीदने के बाद उसे सेल करता है, वो पहले चीज देखता है उसके बाद वो ऑर्डर करता है कि हाँ मुझे चीज, जिसने नहीं खरीदनी वो नहीं ऑर्डर करता। तो ये चीज हलाल है, इसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, पता नहीं मौलवियों को किसने दिमाग में किसने बिठाया हुआ है, कोशिश किया करें जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को सुना करें। खैर ये तो सोर्सिंग का मैं बता रहा था कि सोर्सिंग के लिए आपने दो काम करने हैं, पहले आपने क्या करना है दराज ओपन करना है, जो डिफरेंट सोर्स मैंने आपको बताया, डेली के 10 से 12 बंदे आप लोग फाइंड करके रखा करो,
उनकी सिटीज उनके एड्रेस जरूर लिया करो कि भाई आपका वेयर हाउस किधर है, ठीक है। दराज से 10 बंदे हंट किया करो किसी भी प्रोडक्ट के। दूसरी चीज, आप फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपने जरूर हंट करने हैं 10 बंदे, कैसे वो ग्रुप्स में जाके, ठीक है। यहां तक आप लोगों को मुझे पता है, समझ आ गई है। अब ये दो काम आप लोगों ने करने हैं, एक दराज से 10-10 बंदे ढूंढा करो, डेली ढूंढा करो यार, ज्यादा से ज्यादा भी टाइम लगेगा, सिर्फ मैसेज कर दिया करो, रिप्लाई अगले दिन आ जाता है यार उनका, वेट ना किया करो। बेशक प्रोडक्ट ढूंढी 10 सप्लायर्स, कोई भी 10 सप्लायर्स हो, उन्हें मैसेज कर दिए, वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, आंसर कर देंगे, बात खत्म। सो ये तो आज हम लोग जो काम अभी करने जा रहे हैं, वैसे तो हमने कभी जिंदगी में अच्छा काम किया नहीं, तो आज हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सोर्सिंग हो गई आप लोगों की। आज हम लोग करने जा रहे हैं फेसबुक, हमारे फेसबुक पेजेस बन गए। आप लोगों ने सबसे पहले अपना, अब यहां से आप लोगों का आज का टास्क शुरू हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले अपना फेसबुक ओपन कर लेना है, ठीक है। ये जैसे ही फेसबुक ओपन करोगे तो ये भाई, जिस भाई का फेसबुक है वो, मैं उनसे उनका फेसबुक मंगवा लेता हूँ। यार टेडी ट्रोली अपना फेसबुक सेंड करना, कितना बच्चों वाला नाम रखा हुआ है, टेडी ट्रोली, अच्छा नाम है यार। मैं ये वो नहीं कह रहा, टेडी ट्रोली ऑफिशियल डॉट पी के, अच्छा थीम्स, ठीक है। अब इनके फेसबुक का नाम है TEDDYTROWYOFFICIAL@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड हो गया, मतलब ये आपका अपना फेसबुक भी हो सकता है, जो मैं तो ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना ही यूज करो, नया बना लिया तो कोई मसला नहीं, अपना भी वही काम करें, नया बना लिया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब यहां तक तो आपने फेसबुक ओपन कर लिया, अगर हो जाता है तो, लेकिन नहीं, उसने भी कसम खाई हुई है कि भाई नहीं होना, मैंने नहीं नहीं सलमान, ये ओपन नहीं हो रहा यार, मैं ये लगा रहा हूँ, हाँ हाँ यही लगा रहा हूँ, अच्छा सिर्फ वो है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने 99 लिखा हुआ ना, अच्छा यार आप लोग जितने भी आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं ना आपको hoster.pk का, अच्छा हाँ मुझे याद है यार, जिन बच्चों को hoster.pk का पासवर्ड नहीं मिला ना, आप लोग उनसे जाके कहो कि भाई हमें hoster.pk का पासवर्ड और हमारी डोमेन सेंड कर दो। जिनको एक फाइल मिली होगी आप लोगों को, वो एक PDF फॉर्म में एक फाइल मिली होगी और नीचे एक यूजर नेम होगा और एक पासवर्ड होगा, जिनको वो मिल गया है, जिनको नहीं मिला उनसे कह दो कि हमें ना मतलब एक दो दिन, मतलब आज या कल तक रिसीव वो सेंड कर दे हमारे hoster.pk का पासवर्ड, ठीक है। स्टोर्स की जहां तक बात है, क्लियर सुन लो, जब स्टोर्स का काम होगा ना, स्टोर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, सब बच्चों के पड़े हुए हैं, सेव पड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, उन्हें कोई जंग नहीं लग रहा ना उनके कुछ, तो आप लोगों ने जाले उतारने। जब स्टोर्स का काम आएगा मैं जरूर दे दूंगा, अगर मैं आप लोगों को, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं तो सबको आज ही स्टोर्स दे सकता हूँ, अगर मैं आप लोगों को आज स्टोर्स दे दूँ ना, आप लोगों ने करने पंगे लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो पंगे लोगे तो वो मसला करेंगे, फिर मसलों में पड़ोगे, इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग उनसे पंगे लो। अब सलमान मेरी बात सुनो, अभी देखो सब बच्चों ने सबसे पहले क्या गलती करनी है, और गलती करनी नहीं है, इस बच्चे ने सबसे बड़ी सलमान ने गलती की है कि जो फेसबुक बनाया है ना वो बनाया टेडी ट्रोली के नाम से। आप लोगों ने क्या ये गलती नहीं करनी, आप लोगों ने फेसबुक बनाना है अपने नाम से। सलमान मुझे अपना पूरा नाम बताओ, आपका पूरा नाम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना वो नाम क्या है, मुझे मैसेज करो। सबसे पहले आप लोगों ने अपने नाम की आईडी बनानी है। अब ये नाम चेंज होता है कहाँ से, सलमान मोहम्मद, ये आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ ना, बस ठीक हो गया।
अकाउंट में आके पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं और सलमान का नाम जो है वो हम चेंज कर देते हैं। नाम कहाँ से चेंज होता है? ये नेम आ गया। ओहो, ये तो हम 60 दिन के अंदर तो नाम ही चेंज कर सकते हैं। सलमान के तुम क्या कर बैठे हो? कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है, सबसे पहले आप लोगों ने फेसबुक ओपन कर लिया, यहां तक आ गया। अब आप लोगों ने, आप लोगों की जो पिक्चर है ना, जो प्यारी सी सुनहरी सी पिक्चर है, वो आप लोगों ने अपनी यहाँ फेसबुक पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। फेसबुक पे अपलोड हो गई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि अपनी फेसबुक का नाम अपने नाम से बनाना है। जैसे इसने टेडी ट्रॉली बनाया ना, आपका नाम होना चाहिए सलमान, जैसे इसका नाम है सलमान मोहम्मद नासिर, इस बच्चे का नाम है सलमान मोहम्मद नासिर, इस तरह आपने अपने नाम का अकाउंट बनाना है। अगर आपकी डोमेन का नाम वो product.pk है या कुछ भी है, आपने वो नहीं बनाना, आपने अपने नाम का फेसबुक अकाउंट बनाना है। जब आपका फेसबुक अकाउंट बन गया, मैं बहुत छोटा सा काम दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने इस साइड पे देखो, ये साइड मैंने कहा है मेरी वीडियोस को दोबारा नहीं देखोगे, देखोगे ना तो यकीन करो अगले 7-8 दिन में सेल्स स्टार्ट करवा दूंगा। नहीं देखोगे तो लगे 10 महीने 10 साल भी लगे रहोगे सेल्स नहीं स्टार्ट होंगे, क्योंकि आप एफर्ट ही नहीं करोगे ना, आप अपना पुट ही नहीं करोगे पोटेंशियल। तो अब यहां आप इस साइड पे देखो तो यहां लिखा हुआ है पेजेस, ये देखो पेजेस की ऑप्शन है, एंड पे आओगे ना, यहां मैंने आपको पहला क्या बताया, पहला आपने नाम चेंज करना है टेडी ट्रॉली से। सलमान कोई और अकाउंट पड़ा हुआ है आपका अपना पर्सनल? आपका अपना पर्सनल अकाउंट पड़ा होगा? यार वो सेंड करो, अगर पड़ा होगा ना वो सेंड कर दो, अगर आप मतलब इजी हो, क्योंकि मैं उसके मतलब चैट्स तो ओपन करने नहीं वाला मैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मुझे सेंड कर दो ताकि बच्चों को ना मैं सही क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये जो न्यू अकाउंट बनाने ना, इसका पर्सनल अकाउंट मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूंगा, रिकमेंडेशन मेरी ये है, बेशक आप नया अकाउंट बना लो, इसमें इतना कोई नुकसान वो नहीं होता, लेकिन मैं पर्सनल अकाउंट ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप पर्सनल मतलब पर्सनल, ठीक है, यार ये बेस्ट रहेगा। सलमान नासिर @outlook.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपने यहाँ लिखना है, उसको मैं बोलूँगा। अच्छा, अब मेरी बात आप लोगों ने गौर से सुनी है, क्योंकि आप सलमान ये पासवर्ड गलत है, पासवर्ड अभी भी गलत है, सलमान इसका पासवर्ड गलत है यार। हाँ हाँ ठीक है, इजी हो गई, कर लो एक मिनट। अच्छा, दो चीजें, सबसे पहले आज का जो काम है, आज हम लोगों ने फेसबुक पेज, आप लोगों ने अपना जो अकाउंट है वो आप लोगों ने ओपन कर लिया, उसके ऊपर हम लोग एक पेज बनाएंगे, पेज के साथ हम एक इंस्टाग्राम बनाएंगे और एक हम अपना व्हाट्सएप, जो मैंने आपको 3 टास्क दिए थे, मैंने उस दिन आपको टास्क दिया था, एक आप लोगों ने बनाना है अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है, एक इंस्टाग्राम मैंने आपको, अगर आपको लोगों को याद हो, सलमान आप अपना इंस्टाग्राम भी मुझे सेंड कर देना, ठीक है, जो आपने इंस्टाग्राम बनाया होगा ना अपना, वो भी आप लोग, आपने मुझे कह दिया नहीं सर सही है यार, फिर सलमान नासिर @outlook.com @outlook.com यार, मैं भी वही पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये देखो मैं बिल्कुल वही डाल रहा हूँ, सही पासवर्ड डाल रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, यार बाढ़ में जाए टेडी ट्रॉली वाले पे काम करते हैं, छोड़ो बाद में कर लेंगे। अच्छा ये देखो, हमने टेडी ट्रॉली ओपन कर लिया, अब हाँ आप लोगों ने ये करना है, अब काम गौर से देखो, ये राइट साइड के ऊपर जब आप लोग आओगे ना, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है पेजेस का ऑप्शन है, आपने पेजेस पे क्लिक करना है,
सलमान जो आपने इंस्टाग्राम बनाया टेडी ट्रोली वाला, वो इंस्टाग्राम बताओ, इंस्टाग्राम बनाया हुआ है जी, वो भी मुझे सेंड कर दो इंस्टाग्राम पे। आप लोगों ने यहाँ पेज पे क्लिक करना है, पेज पे क्लिक करने के बाद ये देखो लिखा हुआ है क्रिएट न्यू पेज, ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू पेज, आपने क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने वो कह रहा है पेज नेम, आपने पेज का नेम क्या रखना है, ये पेज नेम का मतलब होता है कि आपके ब्रांड का नेम, तो आपने इसका नाम रखना है टेडी, TEDDY, टेडी TRO, स्पेलिंग पता नहीं क्या, मैं स्पेलिंग TROLLY, TROLLY, TROLLY.PK, ये आपके पेज का नाम होना चाहिए, जो आपका डोमेन नेम है ना, जो आपके ब्रांड का नेम है, वो आपका पेज नेम होना चाहिए। सलमान मुझे जीमेल इंस्टाग्राम का पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करो, ठीक है। ये आपका फेसबुक पेज और फेसबुक पेज का नाम होना चाहिए। आपको मैंने ये बताया सिंपल, दोबारा रिपीट करता हूँ, सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना फेसबुक ओपन कर लेना, ठीक है। आप लोग फेसबुक के ऊपर आ गए, ये राइट लेफ्ट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड के नीचे, नीचे जाने के बाद, लेफ्ट साइड पे नीचे जाने के बाद आपके पास पेज का ऑप्शन है, पेज पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर दिया, और यहाँ सिंपल सिंपल लिखना है TEDDY टेडी ट्रोली डॉट पी के, ठीक है, सिंपल एक टेडी ट्रोली डॉट पी के। उसके बाद ये लिख दिया, अब वो कहता है कैटेगरी सिलेक्ट करो, कैटेगरी में आपने आने के बाद लिखा है शॉपिंग सेंटर, जिनके शॉपिंग सेंटर आ रहा होगा उन्होंने शॉपिंग सेंटर सिलेक्ट करना है, जिनके शॉपिंग मॉल आ रहा होगा उन्होंने शॉपिंग मॉल सिलेक्ट करना है, ठीक है। दोबारा सुन लो, कुछ लोगों के शॉपिंग सेंटर्स आ रहा होगा उन्होंने शॉपिंग सेंटर सेलेक्ट करना है, कुछ लोगों के शॉपिंग मॉल आ रहा होगा उन्होंने शॉपिंग मॉल सेलेक्ट करना है। अब जैसे इस भाई के शॉपिंग मॉल आ रहा है, उन्होंने शॉपिंग मॉल सेलेक्ट करना है, मैंने इसको ओके कर दिया। बायो में क्या लिखना है, बायो में आपने लिखना है लार्जेस्ट ई कॉम, ओहो ई कॉमर्स, CERC कॉमर्स ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आपने सिंपल लिख देना द लार्जेस्ट ई कॉमर्स ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, और जितनी मर्जी चमले मार देना वो मसला नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने लिखा लार्जेस्ट ई कॉमर्स ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, इसको नेक्स्ट क्रिएट पेज कर देना। अब आपका पेज क्रिएट है, अपने डोमेन का नाम मतलब पेज का नाम वही जो आपके ब्रांड का नेम है आपका, जैसे मेरा प्रोडक्ट डॉट पी के है, आपने लिखना है जैसे टेडी ट्रोली डॉट पी के हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ वो कहता है कि भाई जान वेबसाइट दो, ठीक है। अभी आपने वेबसाइट लिखनी है, अभी आपकी वेबसाइट चुके है, अभी हम लोगों ने बनाई नहीं है, तो आपने सिंपल लिखना है www.teddytrolley.pk या .com है तो .com लिख देना, ठीक है, जिसकी .pk है। वो कहता है फोन नंबर दो, फोन नंबर अभी जिसने देना वो दे दे, जिसने नहीं देना कोई, वो कहता है ईमेल दो, ईमेल आपका यहाँ लिखा होगा, ये आपका ईमेल है teddytrolleyofficial.pk। ईमेल यार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इतना लंबा कौन दिमाग खराब करें, यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, तो आपका ये ईमेल आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस टाउन सिटी, अब मैं एड्रेस इसका जो आपका दिल करे, आपका अगर लाहौर में है तो लाहौर दे दो, टाउन जो टाउन है आपका वो दे दो, जोहर टाउन नहीं मतलब जो आपका टाउन है, तो यहाँ आपने फिर सिटी उसका और जिप कोड देना है, ठीक है। ये बाद में एडिट हो जाएगा, ये इसमें मसला नहीं है। फिर आपने ऑलवेज ओपन पे क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे, ठीक है, तो ये आपको कहेगा भाईजान अगर ये नेट मेरा थोड़ा गैरत खाएगा तो अच्छी, फिर वो आपको कहेगा कि एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करो। आप लोगों ने एक काम और करना है कि आप लोगों ने एक एक अपने ब्रांड का ब्रांड इमेज बनानी है, एक ब्रांड ब्रांड की ना एक एक इमेज बनानी है। इमेज का मतलब होता है कि ब्रांड का जो लोगो होता है, आप लोगों ने एक एक ब्रांड का लोगो बनाना है। जैसे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, इसने ये देखो, ओहो इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, इस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, इस बच्चे ने इस लोगो चोरी कर लिया। चोरी कहाँ से किया मैं आपको बताता हूँ, इसने गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद ना इसे लिखा कि मुझे ना netbazaar.pk का लोगो चाहिए, मतलब वैसे ही कोई लोगो, मुझे लोगो चाहिए, तो हजारों लोगो है, इसने हल्की फुल्की चेंजिंग की, अपना नाम लिखे लोगो ही अपना कर लिया। आप कोई सा भी लोगो बना सकते हो, उसके लिए कोई प्रोफेशनैलिटी नहीं है कि जो लोगो आपको लगेगा मैं अच्छा बना सकता हूं, तो आप लोगो बना लो, ठीक है। लोगो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगो आज बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने ब्रांड का यहाँ लोगो लगा देना है, ठीक है। जब आप लोगों का यहाँ लोगो लग जाएगा तो आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों का यहाँ आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर पे अपना लोगो लगा देना है। जैसे मैं यहाँ, मेरे पास कोई लोगो अगर पड़ा होगा तो, फिलहाल तो नहीं मेरे पास पड़ा होगा, लेकिन अगर संभव हुआ तो आप लोगों ने अपना
एक पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी है, एक लोगो लगा लेना, ठीक है, फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ वो कहेगा आपने फोन नंबर व्हाट्सएप फोन नंबर दो। अब मैंने आपको याद है कहा था कि एक आपने व्हाट्सएप बिजनेस बनाना है, अब वो जो बिजनेस वाला व्हाट्सएप नंबर होगा ना वो आपने यहाँ सेलेक्ट करके लगा देना, ठीक है। अभी इसका इसका दुबई का आई थिंक सो, तो दुबई का, तो ये बाद में भी लग जाएगा, ठीक है। आपने व्हाट्सएप कोड करना है, वो गेट कोड किएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा, आपने वो कोड एंटर करना है और इसको लगा देना है, फिर आपने इसको स्किप कर दो। यहाँ जब आपको लगा दोगे तो नेक्स्ट आएगा, फिर आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना है, फिर इसको भी डन कर देना है, दोनों को ऑन होना चाहिए, दोनों चीजें ऑन होनी चाहिए और डन कर, तो ये आपका पेज बन गया। आज सिर्फ इतना काम है कि आप लोगों ने अपना पेज बनाना, ये देखो आप लोगों का पेज बन गया, ठीक है। इसको क्रॉस कर दो, ये जो आगे आएगा इसको क्रॉस कर दो, तो ये आप लोगों का एक पेज बन गया territorytrolley.pk। अब एक तो पेज बना लिया, उसके साथ अब आपने क्या करना है, यहाँ तक पेज बन गया, फिर आपने यहाँ न्यू टैब पे इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है, यहाँ लिखना है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, इंस्टाग्राम ओपन किया, और जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे, इधर से आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम जिन्होंने नहीं बनाया हुआ यहाँ से साइन अप कर लिया, जिनका बना हुआ है तो मैं देख लेता हूँ इसका क्या बना हुआ है इस लड़के का। हाँ ये बहुत बड़ा प्यारा लोगो है, यू कैन यूज इफ यू वॉन्ट, अभी मैं कैसे यूज करूँ, अभी तो मैं काफी आगे आ गया हूँ। teddy.trolley@gmail.com पासवर्ड है @ शुक्र है पहली चीज एक्सेस हुई है, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। खैर अब आपको एक साइड पे इंस्टाग्राम खोल लेना है। अब जो लोगो आप लोगों ने फेसबुक पेज पे लगाया होगा ना वो इसकी प्रोफाइल में आना है। अब आप देखो इंस्टाग्राम खोल लिया, आपने प्रोफाइल में आना है, जैसे ही आप प्रोफाइल में आओगे ना तो आपने एडिट प्रोफाइल पे करने के बाद यहाँ देखो लिखा हुआ है सलमान, सलमान नहीं लिखना, नेम आपने लिखना है teddy.trolley.pk teddy.trolley, ठीक है। आपका ये नाम होना चाहिए, आपके ब्रांड का नेम होना चाहिए, ठीक है, आपके ब्रांड का नेम टेडी ट्रॉली होना चाहिए, फिर आपका यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। बायो में भी आपने वही लिखना है, द लार्जेस्ट ई कॉमर्स ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बस इतना। ईमेल आपका आ गया, फोन नंबर अपना देना हुआ तो दे लेना, नहीं देना तो नहीं। तुमने अभी तक अपना जेंडर ही सिलेक्ट नहीं किया, कैसे इंसान हो यार। हाँ कौन सा करूं, कस्टम मेल, तो ये लड़का मेल है तो मेल करने के बाद सबमिट कर दो, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है। यहाँ करने के बाद आप लोगों ने मोर का बटन है, देखो नीचे साइड पर, यहाँ मोर, देखो यहाँ सिंपल ये लिखना है द लार्जेस्ट ई कॉमर्स ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ मोर लिखा हुआ है, मोर मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ देखो लिखा हुआ है सेटिंग्स, तो फिर सेटिंग पे आ जाना है। जैसे ही सेटिंग पे आओगे यहाँ तो लिखा हुआ है, अभी यहाँ अगर आपके लिखा हुआ है ना स्विच टू पर्सनल अकाउंट, अगर आपके यहाँ लिखा हो ना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब इस भाई ने प्रोफेशनल अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। अब इसका लिखा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, आपके यहाँ लिखा होगा, मैं जैसे इसको स्विच बैक करता हूँ, जिन बच्चों के ये लिखा होगा ना, कि कुछ बच्चों के यहाँ लिखा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ये देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आपने सिंपल स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करना है, आपका इस तरह का प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा। अब आपको दो ऑप्शन देगा कि या क्रिएटर बनना है या बिजनेस करना है, बिजनेस करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर कहता है कौन सी आपकी टाइप है, यहाँ से आपकी टाइप है शॉपिंग एंड रिटेल, ये शॉपिंग एंड रिटेल पे क्लिक किया और डन कर दिया, तो ये आपका प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बन चुका है। अब वो कहेगा अपना ईमेल एंटर करो, ईमेल ये आ गया, फोन नंबर, फोन नंबर अब आपका है 971, एक मिनट मुझे देख लेने दो। सलमान कह रहे हैं मैं मेल हूँ, जी सलमान बिल्कुल ठीक है, हम समझ गए, हम मेल है यार, हमें शक नहीं। 2686, ठीक है, एड्रेस आप दे दो, नेशनल एड्रेस आप दे दो, क्या उसका नाम है, जिले का चने या जो भी है, सिटी और जिप कोड दो और इसको सेव कर लो, ठीक है, वो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर दो या ना दो, वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ दे दो, ये आप एडिट भी कर सकते हो बाद में, एडिट प्रोफाइल में जाकर, वो कोई मसला नहीं सलमान, वो बाद में कर लेना, इजी होगा, ठीक है। आपके यहाँ जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा ना, उसकी निशानी कैसे पता लगेगा, तो आपके यहाँ लिखा जाएगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट,
अगर मतलब कि आप प्रोफेशनल कोर्ट में खड़े हुए हो, आप पर्सनल कोर्ट में शिफ्ट करना चाहते हो, आप कहोगे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, दफा हो जाओ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद तीन, अभी तक हमने दो काम किए हैं, एक हमने पेज बनाया और एक हमने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल किया। सिंपल, फेसबुक के अंदर गए, पेज के ऊपर गए, क्रिएट न्यू पेज किया, पेज बना लिया, पेज बनाने के पेज बन गया, साइड पे उसको छोड़, दफा गोला मार दो। अब आगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम प्रॉपर बनाया, पर्सनल प्रोफेशनल अकाउंट में क्लिक किया। अब एक साइड पे इंस्टाग्राम है, एक साइड पे फेसबुक है। अब व्हाट्सएप पे तो हमने कनेक्ट किया हुआ है, अब हमने दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अब जोड़ना कैसे है, इधर आओ, बस इतना ही करो, जोड़ने वाली बात कल पे चलेंगे, वो कल चलेंगे, उसके ऊपर नहीं जाना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब सब बच्चों ने क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जिन बच्चों की सोर्सिंग खराब हुई ना, देखो मैं सोर्सिंग के ऊपर क्यों फोकस करूं, क्योंकि मुझे पता है सोर्सिंग किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है। अभी ये एक चीज है, फर्ज करो आप किसी से 600 की ले रहे हो, अब 600 रुपए ये प्रोडक्ट लेके, अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ यार, उसी के स्टोर से दे देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, मे बी इसको कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। ये देखो अभी इस बच्चे को ये प्रोडक्ट जो है, इसको 8 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, साथ एक बाद में है, 8 ऑर्डर रिसीव हुए इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको और काम में भी दे। इसने 6,000 रुपए एक दिन में बनाया। अब देखो, अब एक प्रोडक्ट इसको 350 रुपए की मिल रही है, तो इसने 350 रुपए की प्रोडक्ट थी 1600 रुपए में बेची। अब आप सवाल पूछो, अब आपका क्वेश्चन पूछना बंद, अब मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई लोग दराज से क्यों नहीं चीजें खरीदते, बताओ, दराज भी तो पड़ा हुआ है ना, जिन लोगों ने इधर से चीज खरीदी है वो दराज से क्यों नहीं खरीदते, ये वजह होती है नहीं खरीदते, क्योंकि दराज के ऊपर ना ऑनलाइन बिहेवियर बहुत कम है, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा था ये एक्चुअल में है नहीं। मैं आपको एक बंदा बताता हूँ, मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि ये मैं एक साथ चला के रखता हूँ ताकि ये मेरा नेट ना लैग करे, ये मैंने ब्यूटीफुल एक विलेज का लगाया हुआ है, एक बंदा है यूट्यूब के ऊपर, आप वैसे लिख लो शकील दराज वाला, ये एक बंदा है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत क्लोज दोस्त है, शकील नाम है इसका। मेरी ज्यादातर सोर्सिंग जो हम करते हैं ना इसके थ्रू, अच्छा हम दोनों मिलके इसके थ्रू नहीं करते, इसके इवन अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, शकील दराज वाला ये नाम है इसका, शकील दराज वाला, मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ। तो ये लड़का देख रहे हो, ये 21, इसका नाम है फरहान, इसी का नंबर मैं आपको दूंगा, फरहान नाम है इसका, ठीक है। तो 22 साल का लड़का है, हर महीने की बात करूं, दराज का टॉप सेलर है, 2018 से टॉप सेलर बैठा हुआ है दराज का, शॉपिफाई, अब शॉपिफाई पे शिफ्ट हो रहा है, अब दराज में वो मार्जिन नहीं रहा, अब डी मॉल में से चला गया सारी चीजें। अब डी मॉल क्या होती है, मैं आप लोगों को कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। दराज के ऊपर न्यू सेलर की कोई जगह नहीं है, न्यू सेलर से बचता ही कुछ नहीं है, शॉपिफाई के ऊपर तो न्यू सेलर भी है तो उसको पता होता है कि उसने इजीली महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा लिया, ठीक है। बाकी डी मॉल में जाने के लिए ट्रेडमार्क चाहिए होता है। तो हमारा कनेक्शन मीडिया के थ्रू हुआ था, मैं जिस इंस्टीट्यूट में करता था तो ये भी वहाँ ही डायरेक्शन में पढ़ाने जाता था। तो खैर इस बच्चे का, इस 22 के 23 साल उम्र इसकी फरहान की, मैं पूछ के भी बता दूंगा, तो इस 22 साल के बच्चे का हर महीने 2-3 करोड़ रुपए का बाहर से सामान आता है, सोर्सिंग का, सोर्स करता है बाहर से, अपनी सोर्सिंग है। आपको तो मैंने ये कहना कि आपने मार्केट से लेना है, ये अपनी सोर्सिंग करता है। मैं इसका आपको नंबर दूंगा, इसकी वेबसाइट भी है, मैं इसे पूछ लेता हूँ क्या वेबसाइट का नाम है, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके 3PL की सर्विसेज भी ले सकते हो। तो इसकी वेबसाइट है फरहान बाबू, वेयर आर यू, ये देखो, ये आप लोगों को मैं कैमरा, वेयर इज माई कैमरा, ये देखो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये फरहान नाम का लड़का खुला हुआ, फरहान FARHAN फरहान, ठीक है। ये मुझे, मैंने इसको कभी भी इवन मैसेज नहीं किया, ये देखो ये मुझे खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे मैसेजेस करता रहता है। तो लाइक अभी तो ये मैसेज करता रहता है, और इसका प्रॉपर एक कैटलॉग भी ऐड है, देखो ये जो ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स होती है ना मुझे सेंड करता रहता है, अभी मेरा नेट नहीं इसके ऊपर चल रहा। तो इसने देखो अपने कैटलॉग के अंदर हर चीज लगाई हुई है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए होगी ना इसने हर चीज देखो लगाई हुई है अपने कैटलॉग के अंदर। ये जैसे जैसे अपलोड, नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है इसकी ये आ नहीं रही चीजें, ये देखो इसको नीचे करते जाओ तो ये इसने हर चीज अपने कैटलॉग के अंदर ऐड की हुई है, तो इसका इतना मसला नहीं होता।
आपने क्या करना है, आपने सिंपल फरहान, मैं आपको इसका नंबर दे दूंगा, लेकिन जब हम एंड बाद में दूंगा, क्योंकि आप इसको तंग नहीं करोगे, मैं आपको बताऊंगा कब कब देना है, हर चीज होगी, इजी हो जाओ। तो द पॉइंट इज के फैक्ट इज कि आप लोगों को अगर सोर्सिंग में मसला आ रहा है ना, तो आप लोगों ने अपनी सोर्सिंग जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। लड़कों में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना, मैं इसलिए कहता हूँ पहले मार्केट जाओ, मार्केट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, अगर वहां से नहीं मिलता फिर आप इसका सहारा ले सकते हो, और अगर फर्ज करो कि आपको इससे कुछ चीज नहीं मिली, फिर आपका क्या करोगे? फिर आपके पास एक ही रास्ता है, मार्केट और फेसबुक और दराज। हर चीज मिल जाती है यार, हर चीज मिल जाती है, ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है। आप लोग पहले मार्केट में जाओ, क्रिस्टल ढूंढो वहां से कि भाई मुझे क्रिस्टल मिल रहा है, बात खत्म। क्योंकि मुझे पता है कि सेल्स आ रही है आपके सामने यार, एक चीज ये देखो, बच्चे को सेल्स आ रही है, 8 सेल्स को माशाल्लाह रिसीव हो गई है, तो एक उस बच्चे को माशाल्लाह सेल्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा कमा रहा है क्रिस्टल से अच्छा खासा। तो वो अगर कमा रहा है तो आप भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। क्रिस्टल की बहुत मार्केट है, अभी भी बेतहाशा मार्केट है। आप तो सिर्फ 68% इसको बेच रहे हो, इसकी आप देखो ना 23 करोड़ की आबादी सिर्फ इस चीज को। यहाँ आप सिंपल लिखो क्रिस्टल हेयर वी मूव, क्रिस्टल हेयर वी मूव। अभी आप यकीन करो, इस बच्चे को तो मैंने सिखाया ही कुछ नहीं है, इसको मैंने ना पिक्सल सिखाए हैं, इसको मैंने ना इवेंट सिखाए, ना मैनेजमेंट सिखाई है, ना मैंने इसको ऑडियंस रिटारगेटिंग सिखाई है, ना मैंने इसको डेमोग्राफिक सिखाया, ना इसको इंटरेस्ट सिखाया, ना इसको बिहेवियर सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। उसके बावजूद ये 8 सेल्स लेके जा रहा है डेली। अभी देखो इसको, इसका स्टोर ये देखो netbazaar.tk, कौन सा इसका देखो, इसकी वेबसाइट का नाम क्या है, netbazaar.tk देखो, और ये क्या तीसरी इसकी एड लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगाया उसने, कुछ भी नहीं लगाया और सेल्स खा रहा है netbazaar.tk। ये इतनी सी एड लगी हुई है और ये पाकिस्तान के अंदर, ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान को चला रही है। क्या आपको लगता है 24 करोड़ यार, 4,000 से हर बंद देखो ना, आप कमिट कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लगा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो फेसबुक ने पहले 4,000 कहा था, फेसबुक ने हमने अब आपको एड जो है आपकी 5,000 लोगों को दिखाई है। अब फर्ज करो, फर्ज कर लो पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कितनी एड्स हैं, 13 एड्स लगी हुई है, 13 एड्स आर रनिंग ऑन जस्ट क्रिस्टल हेयर रिमूवर। अब अगर एक एड 5,000 लगा हुआ है, यहाँ हमारे पास कितने ऑडियंस कवर करी है, 5,800, हम 6,000 लगा लेते हैं यार। 6,000 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप कैलकुलेटर ओपन करो यार, कैलकुलेशन के बगैर आपका बिजनेस जीरो है। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेशन करनी है। 6,000 को आप 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है, सिर्फ 78,000 बनता है, 80,000, 1,00,000 लगा लो यार। पाकिस्तान के अंदर टोटल जितनी एड्स चल रही है ना, 1,00,000 बंदा कवर कर रही है। 23 करोड़ की आबादी में से 1,00,000 को माइनर कर दो, क्या 0.0001% भी नहीं बनता। अभी भी आप कहते हैं दराज के ऊपर पोटेंशियल है, हमें मार्केट में नहीं आना चाहिए। यार मैं इधर बैठे 3 प्रोडक्ट्स आपको बताता हूँ, क्रिस्टल हेयर रिमूवर बेचो, कन्फर्म सेल आएंगे। ईयर वैक्स क्लीनर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सेल्स हैं तो मुझे पकड़ लें। ईयर वैक्स क्लीनर, कुछ बच्चों ने ये प्रोडक्ट हंड की हुई है यार, ये नहीं है, मैं आपको बताता हूँ यार, वो किट है ईयर वैक्स क्लीनर किट यार, ये प्रोडक्ट है ये, इसको बेचो, कन्फर्म्ड सेल है, कन्फर्म सेल है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, डीप एक्सफोलिएटिंग ग्लव, इसको बेचो, बेतहाशा सेल है, बेतहाशा सेल है, बेतहाशा जिसको मैं कहता हूँ सेल है। 3 प्रोडक्ट्स तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिए हैं, आप मुझे अभी मैं 10 प्रोडक्ट्स बताता हूँ, एक भी फेल हुई तो आप मुझे पकड़ लेना यार, एक भी फेल हुई। हालांकि मैंने किसी को भी, मैं कभी भी किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता, मैं कहता हूँ आप खुद हंड करो, आपको खुद चीजें मिलेंगी। जब आपको खुद चीज मिलेगी ना, वो चीज, अब इस बच्चे ने मेरी नहीं, मतलब मेरी इसने क्या माननी है, इसने मुझे सिंपल ये कहा कि सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने कहा ठीक, मतलब इसने, मैं दिल्ली बताता था क्लास में कि यार ये प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, सेल इसकी सेल्स आना शुरू, आप लगाओ इसकी सेल्स आएगी। उसने मुझसे पूछा भी नहीं है, और मैंने आपको बताया ना, मैंने इसको पिक्सल सिखाया है, ना मैंने इसको इवेंट सिखाया है, इंटरेस्ट बिहेवियर कुछ भी नहीं सिखाया अभी इसको, उसको बगैर ही चीजों को। जब इनको मैं चीजें सिखाऊंगा
वो एक स्ट्रेटेजी बना के जब चीजें एडवर्टाइज करेगा फिर तो आपको पता है फिर मार्केट कहाँ से कहाँ जानी है। तो ये भाई बहुत ज्यादा पेंशन है। तो क्या बातों से कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को जो लेक्चर दिया जाता है ना आप उसको सिर्फ एक दफा फोकस किया करो। अब दो चीजें मेरी बात, अब जिन बच्चों को अब गौर से सुनना, डोमेन का वो फाइल जो होती है डोमेन की फाइल यार, जिनको उन्होंने डोमेन की फाइल सेंड कर दी है और उनकी जीमेल और पासवर्ड सेंड कर दिया, वेल एंड गुड, वो बच्चे सही हैं, उन्होंने और कुछ नहीं करना। स्टोर का किसी ने नहीं पूछना, स्टोर मेरे पास बाकी जिनके आ गए हैं वेल एंड गुड, जिनके नहीं आए हैं वो हम जिस दिन स्टोर में आपको डिलीवर करने होंगे उससे एक दिन पहले हम क्लास रख के डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन्होंने तो कर दिया, अब कल आपकी क्लास होनी है, बी रिमेंबर कल आपकी, और यार कल की क्लास 10:30 बजे होनी है, ठीक है, 10:30 बजे क्लास कर लेनी है क्योंकि तरावियां हो जाती हैं अप्रोक्सीमेटली 10:30 बजे तक, तो 10:30 या 10:40 पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कोशिश किया करें कि 10:30 का टाइम कर दिया तो आप लोग आ जाया करो। अब जिन बच्चों को लाइक मसला उसमें डोमेन की नहीं मिली उनको मैसेज करो, उन्हें कहो कि हमें डोमेन दें, ठीक है, एक दो दिन तक, मतलब कल तक डोमेन जिनको प्रोवाइड नहीं किया उन्हें कहें हमें कल तक डोमेन आप प्रोवाइड करें, ठीक है, उनसे डोमेन ले लें। और बाकी स्टोर जहाँ तक वो जिन बच्चों के हमें मिल गए हैं वेल एंड गुड, जिनके नहीं मिले हम मंगवा रहे हैं उनसे बाकी उनके स्टोर, तो जब स्टोर की बारी आएगी तो वो भी डिलीवर करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों को तो गोला मार दो ना, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने उन्हें मैसेज करना है, और सॉरी आप लोगों ने इस वीडियो को प्रॉपर शुरू से देखना है। अगर आप नहीं देखोगे ना आपका अपना नुकसान है, कोई मसला नहीं यार, 2 घंटे बैठ के मेरी बकवास सुन लोगे तो कोई मसला नहीं, जिंदगी का सवाल है, अच्छा खासा कमाओगे जिंदगी में इंशाल्लाह, ठीक है। सो दिस इज द फैक्ट कि आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करो इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह ताला ने रिज़्क सबके सबका रिज़्क लिखा हुआ है, तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। और जिन बच्चों के क्वेश्चन है ना वो मुझे मैसेज कर दो, मैं उनके क्वेश्चन आंसर करते हूँ। अल्लाह हाफिज़।